सभी को नमस्ते। तो आज के लिए हम लोगों ने टॉपिक सोचा था कि विकसित समाज और राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, इस पे थोड़ी बात रखेंगे और इसको हम लोग आपसी संवाद के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से रखूंगा और फिर हम सब साथी उस पे अपने विचार अपने मंतव्य रख सकते हैं। साथ में ही यह अपेक्षा होगी कि जो भी बात सामने से आ रही है उसको हम एक प्रस्ताव के रूप में ले उसको अपने आप में जांच कर देखें। तो आज हम लोग एक विकसित समाज के स्वरूप पे बात करने वाले हैं। तो इसमें जो मौलिक बातें हैं उस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है और उसके फैलाव पे आज थोड़ी बात करेंगे। इसमें कुछ बातें स्वयं में जांच परख करने के लिए हैं और कुछ बातें उसको विचार में फैलाने के लिए हैं, चित्रित करने के लिए हैं अपनी कल्पनाशीलता में। तो समाज को देखें और जैसा पहले भी कई बार संडे की मीटिंग में, वर्कशॉप में और दूसरे मीटिंग्स में भी चर्चा में आया, तो समाज व्यवस्था का अर्थ क्या है? हम समाज किसे कहते हैं? समाज को जब देखते हैं तो उसमें हमें कुछ लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे व्यक्ति के स्तर पर देखें तो हमारी अपेक्षा होती है कि हर व्यक्ति में सही समझ सही भाव हो, यानी हर व्यक्ति समाधानित हो जिससे हर व्यक्ति सुखपूर्वक जी पाए। परिवार के स्तर पर देखें तो हम चाहेंगे कि हर परिवार में समृद्धि हो, यानी हर परिवार को अपनी सुविधा की आवश्यकताओं की निश्चित पहचान हो और उससे अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो। वैसे समाज के स्तर पे देखें तो हम अभय चाहते हैं। अभय का मतलब परस्पर एक दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति हो, विश्वास का भाव हो जिससे हम साथ साथ सुखपूर्वक रह पाए। और मानव के अलावा जो शेष प्रकृति है, इसमें पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी हवा पानी है ना, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के साथ भी हमारा सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो। इसको जब पूरा करने जाते हैं तो पांच आयाम दिखाई देते हैं: शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, कार्य, न्याय, सुरक्षा, विनिमय, कोष। इनमें से हर एक आयाम को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है पहले भी, इनके भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और आज हम इन आयामों के एक वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। तो समाज की व्यवस्था को हम पांच आयामों में रख सकते हैं और आज हम लोग एक दूसरा मॉडल देखेंगे जिसमें हम इसको आठ आयाम में रख सकते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि फैलाव को देखें तो इसका फैलाव परिवार से लेकर विश्व परिवार तक दिखाई देता है। तो मानव परिवार में जीता है, हमें से हर व्यक्ति परिवार में है, परिवार में हम जन्म लेते हैं, परिवार में हम संबंधों को पहचानते हैं, परिवार में हम सुविधाओं की आवश्यकताओं को पहचानते हैं, परिवार में धीरे धीरे बड़े होते हुए हम परिवार की जिम्मेदारी लेना स्वीकार लेते हैं, उसको समझ पाते हैं और फिर जब हम स्वयं एक परिवार बनाते हैं ना तो वो पिछले पीढ़ी के साथ जुड़कर एक परंपरा का रूप लेता है। तो हम में से हर व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य है। परिवार परिवार आपस में मिलते हैं तो परिवार समूह बनते हैं, परिवार समूह जब आपस में मिलते हैं तो बड़े स्तर का समूह बनता है जिसे ग्राम कह सकते हैं, फिर ऐसे कई ग्राम आपस में मिलते हैं तो ग्राम समूह बन जाता है। और ऐसे ही हम जब इस समग्र दृष्टि के साथ देखते हैं तो पूरा विश्व हमको एक परिवार के रूप में दिखाई देता है जिसकी एक कड़ी है राष्ट्र। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि समाज का स्वरूप कैसा होगा, उसमें क्रम में हम ये भी देखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे होगा। बेसिकली राष्ट्र समाज की एक इकाई है और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, तो कई राष्ट्रों को मिलाकर विश्व है। अगर हम स्टेप वाइज चलते हुए देखें तो यदि 10 लोगों का एक परिवार है जिसमें 3 पीढ़ी साथ साथ रह रहे हैं तो परिवार में व्यवस्था सुगम रूप से बन पाती है। जो सबसे छोटी पीढ़ी है और जो सबसे बड़ी पीढ़ी है एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं, एक दूसरे के शरीर का ध्यान रखने के लिए, भावों को शेयर करने के लिए, और जो बीच की पीढ़ी है वो सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रम ज्यादा व्यवस्थित ढंग से कर पाती है और हम सभी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं। और ये भी दिखता है कि एक परिवार में सारी सुविधाओं की आवश्यकता स्वयं उस परिवार के उत्पादन से तो पूरी नहीं होगी, तो फिर हम कई परिवारों के साथ जुड़ते हैं, है ना, कुछ आवश्यकता है जो परिवार के सीमा में पूरी हो जाती है, कुछ आवश्यकता है जो परिवार समूह की सीमा में पूरी होती है। तो परिवार में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिसमें हमें एक बड़े परिवार की आवश्यकता होती है, शादी ब्याह है, किसी की मृत्यु हो गई है ना, या उत्पादन में ही हमको भागीदारी चाहिए, या जो सुविधाओं का संरक्षण कर रहे हैं उसमें हमें भागीदारी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे जो हम रीतियों का पालन करते हैं उसमें भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो परिवार समूह में बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
उत्पादन के स्तर पर भी देखेंगे तो कुछ उत्पादन परिवार के स्तर पर हो पाता है, कुछ उत्पादन परिवार समूह के स्तर पर हो पाता है। वैसे ही व्यवस्था के आगे के चरणों को देखें तो परिवार समूहों का जो समूह है ग्राम, वहां पर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। तो इनमें से हर एक स्तर पर व्यवस्था के विभिन्न आयाम हमको दिखाई देते हैं और पूरा करने की प्रणालियां दिखाई देती हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक राष्ट्र का स्वरूप दिखाई देता है। तो राष्ट्र के स्तर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं और फिर राष्ट्र ही आपस में मिलकर विश्व परिवार बनाते हैं। तो हम परंपरागत रूप से भी देखें अपने राष्ट्र में, अपने देश में, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे, पूरा धरती ही एक कुटुंब है, एक परिवार है कि नहीं। तो मानव की चाहना के रूप में देखें तो हम संबंध में कहीं रुकना नहीं चाहते, धरती के हर मानव को परिवार के सदस्य के रूप में हम स्वीकारना चाहते हैं, उनके साथ संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। परंतु स्थिति है उसको देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र की सीमा में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसमें भय का वातावरण है, प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक जीना आ रहा, कई परिवारों की सुविधाओं की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही और व्यक्ति के स्तर पर बहुत सारा कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन, मानी है ना, शोषण, दोहन, ये सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो समस्याएं तो दिखाई दे रही हैं परंतु उसके साथ समाधान भी है। इस पर उन्होंने पहले भी बात की थी कि दो अप्रोच हो सकता है हमको देखने का, एक तो समाधान केंद्रित और दूसरा समस्या केंद्रित। अक्सर जब हम समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हमारे ध्यान में समस्याएं आती हैं। तो फिलिस्तीन बीच जिस युद्ध चल रहा है, कितना बड़ा युद्ध बन सकता है, कितनी बड़ी विभीषिका हो सकती है, इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है, कहीं ये विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। और अब जो विश्व युद्ध होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा घातक होगा। तो कई देश ऐसे हो गए हैं जिनके पास इतने सशक्त हथियार हैं कि अगर किसी दूसरे देश का पटके अपने ऊपर ही पटक ले तो भी पूरा विश्व नष्ट हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं बन गई है। तो समस्याएं तो हमें दिखाई दे रही हैं, बट समस्याएं एक संकेत है, इस बात का संकेत है कि समाधान है और हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। और समाधान क्या है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो समाधान समाज के स्तर पर तभी निकल पाता है जब व्यक्ति के स्तर पर समाधान सुनिश्चित होता है। और व्यक्ति के स्तर पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। शिक्षा जो परिवार से शुरू होती है, किस सिस्टम में हमें मिलती है और हम आजीवन चीजों को सीखते रहते हैं, और यदि समझ पूरी नहीं हुई तो समझते भी रहते हैं। तो समझ का असर हमें जीने के हर स्तर पे, जीने के हर पड़ाव पे उपलब्ध ही रहता है। हम जितना ध्यान देते हैं समझते हैं, और इस क्रम में ही आज की चर्चा में हम लोग कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। भैया, ये जब हम अभी समाज की तरफ जा रहे हैं तो मेरा एक छोटा सा मानना है जो मैं अभी शेयरिंग में भी, कि पहले हम अपने आप से अगर थोड़ा इम्प्रूव होते हैं, मतलब पहले हमारे स्पाउस को, फिर हमारे घर को, फिर मोहल्ले को, ऐसा धीरे धीरे जो हम करते जा रहे तो ही ये समाज बन सकता है ना भैया। लेकिन हर एक ने ये सोचना चाहिए, ये मेरा कहना, ठीक है? समाज की तरफ जी जब हम बढ़ रहे। जी हाँ हाँ प्लीज। तो हम अपने लक्ष्य पे तो मानव लक्ष्य पहचानेंगे। सबसे पहला जो काम है तो मानव लक्ष्य को पहचानना। तो जी हमारी इच्छा में स्थापित है क्या वो मानव लक्ष्य का अनुरूप है, हमारी इच्छा मानव लक्ष्य के अर्थ में है या हमारी इच्छा इससे अन्यथा बनी हुई है, कई बार इसकी विरोधी बनी हुई है। जैसे इच्छा ये बनी हुई है पूरे समाज को लूट के परिवार भरना है, तो न तो परिवार व्यवस्थित न समाज व्यवस्थित होगा। परंतु यदि हमें समाधान ही देता है, हमें मानव लक्ष्य समझ में आता है, तो दिखता है कि समाज के आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ही परिवार की पूरी होती है, परिवार की आवश्यकता सही विधि से पूरा करते हैं तो समाज की भी पूरी होती है। तो हम में से हर व्यक्ति इन 10 सोपान पे कहीं ना कहीं भागीदार है। हम परिवार में भागीदार हैं तो परिवार समूह में भागीदार हैं, उसके बड़े समूह में ही भागीदार हैं। और हमें से जी हर व्यक्ति या तो व्यवस्था में भागीदार है या अव्यवस्था में भागीदार है। किसी भी क्षण हमारे पास दो ही च्वाइस है, या तो हम व्यवस्था में अच्छा भागीदार हैं या हम अव्यवस्था में। अगर हम व्यवस्था में ही है तो कहीं ना कहीं हम अव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा तो जीते जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम सदुपयोग नहीं कर रहे तो
किसी रूप में दुरुपयोग तो कर रहे हैं बिल्कुल कि नहीं, क्योंकि तो संसाधन भी जो प्रकृति से मिल रहे हैं, जी इसलिए हम जी सबकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। जी 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 जी, जी तो आप भैया ओके हाँ ऊपर काम करेंगे, हाँ हाँ अपने मतलब ऊपर हर काम एक करना तो मौलिक बात है। हर एक ने अगर ये सोचा ना भैया, अभी अभी जो मैं राजुल भैया जी को सुन रहा था, 70,000 टीचर्स ही लगे, तो अभी तो हम इंडिया में करोड़ों है ना, सभी के सभी, तो एवरीबडी कैन हेल्प है ना, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, ये सब समझ के काम कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को, धन्यवाद। अभी जैसे माहौल तो अच्छा नहीं है, जैसे वर्ल्ड को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ चालू है। हर एक कंट्री अपने अपने जगह पे अपनी अपनी बात रख रहा है और कोई शांति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है कोई कंट्री, ऐसा दिखने में आ रहा है। तो उन्होंने कभी यूएचओ के बारे में नहीं सुना होगा क्या, या कुछ ऐसा उनके तरफ ऐसा प्रस्ताव नहीं होगा क्या कि कुछ चीजें शांतिपूर्वक निपटाई जा सकती है बिना लड़ाई किए, ऐसा मेरा क्वेश्चन है भैया जी। देखिए, उसको देखें तो दोनों ही चीजें हैं। तो दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, बट बहुत जी सारे देशों के युद्ध नहीं हो रहा है। तो जरूर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए जी प्रयासरत हैं, जिनके प्रयासों से उस स्तर पर समस्याएं नहीं पहुंची है जहां पहुंच सकती थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कई बार ऐसे अवसर बने कि जी विश्व युद्ध हो सकते हैं। पिछले साल भी यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये संभावना लग रही थी कि विश्व हो सकता है, नहीं हुआ। इसमें आप देखें तो समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान तो है जो सबके सुख सोच रहे हैं, जी सबके समृद्धि की सोच रहे हैं, जो शांति व्यवस्था की सोच रहे हैं, है ना। हम भी अपने आप में जी कई बार हम आवेश में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि यही आवेश हमारे जीने का तरीका है। तो हम कई बार सार्थक ढंग से भी विचार करते हैं, कभी कभी आवेशित भी हो जाते हैं। तो अगर अपना अध्ययन करेंगे तो विश्व का भी अध्ययन हो जाता है, कैसे चल रही है चीजें। हमारे अंदर जी कभी उन्माद बढ़ जाता है, कभी आवेश बढ़ जाता है, कभी विरोध का भाव बढ़ जाता है, कभी अव्यवस्था का भाव बढ़ जाता है, कभी संघर्ष का भाव बढ़ जाता है, और फिर कुछ समय बाद ध्यान आकर्षण होता है तो हम फिर संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, संस्कृति के अर्थ में विचार करने लगते हैं। ये उथल पुथल जो हमारे अंदर है वही उथल पुथल परिवार में भी दिखाई देगा। जी कभी परिवार में आवेश बढ़ जाता है ना, कभी आपको दिखाई दो परिवार आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए, और वही साल भर जी बाद होता है, पर्व त्योहार मना रहे हैं कि नहीं। कभी जी कभी ऐसा होता होता है है कि ऐसा। होता है परिवार में ही कुछ लोग आपस में नहीं जुड़ पा रहे, नहीं बातें कर पा रहे, कुछ समय बाद जुड़ जाते हैं परिवार। कुछ परिवार आपस में लंबे समय तक विरोध के भाव को बनाए रखते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, है ना, संबंध को पहचानने जी लगते हैं। तो यही देशों के जी बीच में भी हो रहा है। तो जी अगर तो अपना अध्ययन करेंगे ना तो जो भी समाज के स्तर पे हो रहा है उसका भी अध्ययन होने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा निर्णय तो मानव ही ले रहा है। जी जी मतलब समझ का अभाव है उन लोगों के बीच में, वो भी तो परिवार से जुड़े होंगे शुरू से, है उनकी भी तो कुछ है ऐसे संस्कार होंगे, तो उस घर के संस्कार देश तक जाना और वहां पे ये युद्ध की प्रवृत्ति में बदल जाना, ये कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है ना भैया जी। जी ठीक तो नहीं है, बिल्कुल हाँ ठीक नहीं है। जी और बल्कि आप ये भी देखें साथ में कि अभी भी विश्व के स्तर पे लोग बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व को शांतिपूर्वक कैसे, है ना, एक व्यवस्था बनाई जाए पूरे विश्व के स्तर पर, कैसे देशों के बीच में जी हार्मनी स्टैब्लिश हो, है ना। तो प्रयास दूसरी तरफ से भी हो रहे हैं, इसलिए आप देखें तो जितना डैमेजिंग कोई युद्ध हो सकता था उतना डैमेजिंग नहीं हो पा रहा। और ये भी दिखाई देता है कि अभी जिस तरह की गलत मान्यताएं बन गई हैं कि पैसा ही सब कुछ है, या प्रकृति भोग की वस्तु है, उसके कारण ये युद्ध की समस्या प्रबल हो जा रही है। और कई जगह आपको दिखाई दिया कि सभ्यतागत ढंग से भी कुछ मान्यता बहुत प्रबल रही है। तो हमें अल्टीमेटली व्यक्ति के स्तर पर समाधान के लिए काम करना होगा, ताकि फिर परिवार में समृद्धि और समाज में अभय हो पाए, है ना, और तभी आगे चलकर फिर प्रकृति में सहअस्तित्वपूर्वक जीना भी हो पाता है कि नहीं। तो अगर व्यक्ति के स्तर पर जी देखेंगे तो चार आयाम दिखाई देते हैं। तो दर्शन, अनुभव, अनुभव मतलब ज्ञान, है ना, ज्ञान का पूरा होना अनुभव है, ज्ञान का पूरा होना अनुभव है। तो हमारे ज्ञान में जो चीजें स्थापित हो जाती हैं फिर हमारे वो विचार को गाइड करता है,
जो विचार में हमें गाइडेंस देता है, फिर हमारे व्यवहार में आगे मिल जाता है, इस प्रकार भी जुड़ा हुआ है। तो दर्शन अनुभव से विचार व्यवहार और व्यवस्था आगे। उसी को अगर सच में देखते हैं तो दिखता है कि एक विधि स्थापित होती है समाज में, कि ये सुख समृद्धि को जीने विधि ये कैसे स्थापित हुई है, उसके लिए हम लोग भी कार्यक्रम चर्चा करेंगे। परंतु इस विधि स्थापित होना की पूजा होगी, तो ये हमें ज्ञान के स्तर पर स्थापित होता है, चाहे संस्कृति सुधार होती है, फिर हमारे आपस के व्यवहार सभ्यता के रूप में जाता है, और फिर उसको ही जब रूप में कराते हैं व्यवस्था रूप में। तो मानस देखे अनुभव चार व्यवहार तो समस्याएं दिखाई देती, भागीदारी स्तर पर बहुत समस्या समस्या है, उस विचारों की समस्या है, बहुत सारी बात माना है प्रकृति पिछले 300 वर्षों में ज्ञान को और जिस स्वयं समझ पाई। तो व्यक्ति के स्तर पर जो आयाम दिखाई देते हैं, अनुभव, अनुभव से विचार, विचार से व्यवहार, व्यवहार से कार्य और व्यवस्था में भागीदारी, वही समाज के स्तर पर देखते हैं तो इस रूप में दिखाई देता है कि समाज में एक विधि स्थापित होती है जो ज्ञान का ही प्रतिफल है। उस विधि के आधार पर संस्कृति स्थापित होती है, संस्कृति के आधार पर फिर सभ्यता स्थापित होती है, सभ्यता के आधार पर फिर व्यवस्था स्थापित होती है। ये बात ठीक है। तो जब हम समस्याओं को देखते हैं तो समाज में हम सभ्यतागत व्यवस्थागत है ना समस्याओं को देखते हैं, बट उसके मूल में कुछ गलत मान्यताएं बन गई हैं जो कुसंस्कृति का रूप ले लेती है। और उसके मूल में देखें तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम समाज में कोई निश्चित विधि स्थापित नहीं कर पाए। जैसे बहुत सारा ऐसा अप्रेजल किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, और ये दिखाई देता है कि विश्व भर में लोगों को अभी यही निश्चित नहीं हो पाया कि सुख है क्या। जब यही स्पष्ट नहीं है कि सुख है क्या, तो सुख पूर्वक जीने की विधि कैसे स्थापित होगी? अगर यही स्थापित ना हो पाए कि मानव है क्या, जहाँ सेल्फ की पहचान ही ना हो, मैं की पहचान ही ना हो, और फिर हम सोचें कि मानव सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, तो कैसे होगा? तो मानव अपने आप को शरीर मान के जी रहा है, तो सुविधाओं को सुख मान के जी रहा है, तो सुख को निरंतर बनाए रखने के लिए सुविधा संग्रह भोग में लगा हुआ है। संग्रह भोग में लगे रहते हुए युद्ध हो रहा है, शासन हो रहा है, शोषण हो रहा है, संग्रह हो रहा है ना, दमन हो रहा है, ये सब दिखाई देता है। बट मूल में क्या है कि मानव को सुख की पहचान ही नहीं है, मानव को मानव की पहचान ही नहीं है, संबंधों की पहचान ही नहीं है। तो हमें दिखाई देता कि मूल समस्या तो वहां है कि समाज में अभी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि स्थापित नहीं हुई है, सुख की अवधारणा ही स्थापित नहीं हुई है, समृद्धि की अवधारणा ही स्थापित नहीं हुई है, मानव मानव संबंध में न्याय कैसे होगा इसकी अवधारणा ही स्थापित नहीं हुई है। और ये मौलिक काम है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं मूल शिक्षा में है ना, उसमें एक मौलिक काम तो ये है कि पूरे विश्व में है ना सुख की एक निश्चित अवधारणा स्थापित हो पाए, लोग समझ पाए कि सुख क्या है, लोग समझ पाए कि मानव क्या है, लोग समझ पाए कि संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, अस्तित्व क्या है। वो काम हो पाएगा तो बाकी उसके फलन के रूप में अपने आप होने लगेगा। जैसे हम अगर अपने आप में जांच के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितना जितना हम सेल्फ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं उतना विचारों में शांति मिलती जा रही है, उतना हमारा व्यवहार जो है ठीक होता जा रहा है, रिएक्शन कम होता जा रहा है, रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है। और उतना ही जो भगदड़ थी जीने में है ना, जिसके कारण अव्यवस्था फैला रहे थे, क्षणिक रूप से सुख पाने के लिए दूसरों से कोई अनुकूल भाव पाकर, शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाकर, वो अब सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले जितनी सुविधाओं की आवश्यकता लगती थी उससे अब कम लग रही है कि नहीं? पहले परिवार में जो समस्याएं थी उसमें हमें हर दूसरा व्यक्ति गलत और हम स्वयं को सही मान रहे थे, अब हमें दिख रहा है कि स्वयं पे काम करना है, अब हम दूसरों के प्रति शिकायत के भाव से मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम स्वयं में ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं। तो ज्ञान के लिए काम करते हैं, अनुभव के लिए काम करते हैं, तो विचार में शांति होती है, व्यवहार में उभय सुख होता है, और व्यवस्था में जब भागीदारी करते हैं तो अपने से बड़ी व्यवस्था धीरे धीरे
फलित होने लगती है। तो हमें समझ में आती है बात, जैसे अभी शेयरिंग हो रही थी जिन साथियों की, तो ऐसा दिखाई देता है कि एक व्यक्ति को समझ में आता है तो व्यवहार में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता ही है, और फिर जब दूसरे व्यक्ति को दिखाई देता है कि एक व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने ऊपर काम कर रहा है समझने के लिए, जीने के लिए, तो परस्पर सुख भी बढ़ता है, परिवार में व्यवस्था भी बढ़ती है, यही परिवार से आगे बढ़कर फिर विश्व परिवार में जाता है। तो ये एक क्रम है, इस चीज को अपने आप में देखने की जरूरत है। तो हम दर्शन के स्तर पर जितना ठीक ठीक काम कर पाएंगे, अनुभव के स्तर पर जितना ठीक ठीक काम कर पाएंगे, उतना समाज में निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि स्थापित होगी। ये काम होगा तो उसके फल में बहुत सारी चीजें अपने आप में लगेंगी, और इस काम को करने के लिए ही स्वयं में जांचना, उसको जी कर देखना, फैल कर भागीदारी करना, ये सारा आवश्यक है। ये बात ठीक है? इसको लेकर किन्हीं का कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक बार ये बात स्पष्ट हो जाएगी फिर आगे की बातें और स्पष्ट होंगी। सर अभी भैया जैसे देख रहे हैं कि व्यक्ति के स्तर पर और समाज के स्तर पर, तो ये दर्शन, विचार, व्यवहार, व्यवस्था में भागीदारी, ये तो समझ में आ रहा है। ये जो विधि है इनेट लॉज, तो ये इनेट लॉज बनेगा जो हमारा रियलाइजेशन होगा उस राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, क्या उसी के आधार पर जो लॉज बन रहा है उसको कह रहे हैं या कुछ और है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते भैया। उसकी स्पष्टता बनेगी। अच्छा, तो जब हम में ज्ञान स्थापित होता है तो जी फिर समाज के स्तर पर ज्ञान पूर्वक निरंतर सुख पूर्वक जीने की एक स्पष्टता स्थापित होती है कि ये विधि है। जैसे अभी आज देखिए कि सही विधि क्या है, ये कहाँ क्लैरिटी मिल पाती है। इसीलिए अभी इतना सा कंपटीशन करते हैं, संघर्ष को प्रमोट करते हैं, है ना कि नहीं? जी जी भैया, स्पष्ट हुआ। इतना सारा संग्रह भोग के लिए प्रवृत्ति को प्रमोट करते हैं क्योंकि सही जीने की विधि स्पष्ट नहीं है। अभी लोगों को यही स्पष्ट नहीं है कि बेसिकली वो सुखी होना चाहते हैं जी कि नहीं। जी भैया, जी इसे बहुत अच्छी चर्चा चल रहा है और मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ आपके समूह से, और कुछ बात मन में प्रसंग है। वैसे कि जैसे चर्चा हो रही थी कि ह्यूमन वैल्यूज में हम ये देख रहे हैं कि जब से कैरियर के लिए लोग बात सचेत हुए कि कैरियर को इम्पोर्टेंस देना जब से शुरू हुआ है, तब से कहीं हमारी मानवता कहीं चुपचाप खड़ी केवल ताकती रहती है। बाकी चर्चा की तो बात है, लेकिन बिना पढ़े भी लोग थे, गांवों में संयुक्त तौर पर रहते थे, मानवता थी ना, कहीं ऐसी असंवेदनशीलता नहीं थी जितनी कि आजकल परिवेश में बढ़ी है करियर के नाम पर। और मैंने देखा था कि वैसे ना तो पहले इतने वृद्धाश्रम थे, ना ही वो थे अनाथालय थे। तो ये वैसे दुराहे पर हम लोगों की शिक्षा नीति के माध्यम से हम आए हैं, या करियर, जो मुझे जो मेरा अपना मूल्यांकन है कि करियर के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, भौतिक बात की तरफ जो आकर्षण बढ़ा, उसका प्रभाव है। तो इस पर वैसे थोड़ा हमारा जो द्वंद्व के विचार, इसको स्पष्ट करने के वैसे मैं चाहूंगा जी उसी कि की बात हो रही है कि अभी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि स्थापित नहीं हो पाई है। तो जब हम गांव में रह रहे थे तो भी हमें पूरा स्पष्ट नहीं था, तभी तो हम शहर की ओर आ गए, और शहर से फिर हम, है ना, इस तरह के बहुत सारे जो अभी अमानवीयता की प्रवृत्तियां बनती जा रही उस तरफ जा रहे हैं। तो अगर विधि स्थापित हो गई होती तो फिर हमें बदलने की जरूरत नहीं थी, वो विधि स्थापित नहीं हो पाई इसलिए हम बदलते जा रहे हैं। अभी भी अगर हम तृप्त नहीं हुए तो फिर कुछ और करेंगे। अगर अभी हमको लगे कि मानव के साथ तो सुखपूर्वक नहीं जिया जा सकता तो मानव जैसे रोबोट बनाएंगे, उनसे परिवार बनाएंगे, है ना, फिर उनके साथ जीने का प्रयास करेंगे। तो अभी अगर हमको मानव के साथ सुखपूर्वक जीने की विधि क्या होगी, शेष प्रकृति के साथ समृद्धि पूर्वक जीने की विधि क्या होगी अगर स्पष्ट हो जाए तो फिर एक निश्चित आचरण के साथ जिएंगे। नहीं स्पष्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहेंगे। तो पहले हम जिस प्रकार से रह रहे थे उसके लिए, उसके कारण बहुत सारी अनुकूलताएं थी, परंतु तब भी हम ये नहीं कह पा रहे थे कि हम निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहे हैं, इसलिए तो उसमें परिवर्तन करने लगे। तभी बेसिकली समाज उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है जिसमें सुख की निरंतरता हो जाए, और ये बात स्पष्ट ही नहीं हो पा रही कि सुख की निरंतरता कैसे होगी। तो कई बार हम मान ही लेते हैं कि मानव सुखी नहीं हो सकता, हम मान ही लेते हैं कि
मानव साथ साथ जिएंगे तो संघर्ष भी चलता रहेगा, इसलिए सब चल रहा है। भैया जी, एक ये बात तो नहीं, आपने एक बात हमारे जो आपने बात की ना, टेक्नोलॉजी के जमाने में जो लोगों की अनसेटिस्फेक्शन है, अब जैसे एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कई चीजें हैं और चीजें हैं, जितना हम संसाधन इस तरीके का डेवलप कर रहे हैं उतना हम अशांत भी होते जा रहे हैं, निर्भरता भी बढ़ती जा रही है, आत्मनिर्भरता भी कम हो रही है, और वो चीज जी अनसेटिस्फेक्शन और बढ़ता जा रहा है। तो जी ये तो जो समस्या का मानवीय हमारे विश्लेषण हुआ, बल्कि ये तो समस्या का विश्लेषण हुआ, ये तो हम करते जा सकते हैं, परंतु अभी हमें समाधान देखना है कि समाधान क्या होगा। तो विधि पूर्वक जीते हुए हमें संविधान का स्वरूप स्पष्ट होता है, एक मानवीय समाज में संविधान का स्वरूप क्या होगा। तो मानव जीवन और इस अस्तित्व में उसकी भागीदारी से संबंधित जो बुनियादी सिद्धांत है और दिशा निर्देश है, उससे युक्त एक मार्गदर्शक पुस्तिका, एक गाइडलाइन है ना, जिसको कंपाइल करके हम एक बुक का रूप दे पाए, एक संविधान का रूप दे पाए, मानव प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। तो पुस्तक में किसी को अपना जीवन कैसे जीना है और व्यवस्था में कैसे भाग लेना है, इस पर निर्देश या सलाह शामिल होगी। संविधान में विस्तार से बताया जाएगा कि मानवीय जीवन कैसे जिया जाए, किसी की जीवन शैली मानवता और मानवीय व्यवस्था का रूप है या नहीं, इसे संविधान में सामने लाया जाएगा। संविधान में मानव व्यवस्था या व्यवस्था और उसके अंतर्निहित सिद्धांतों, जो सही समझ और सही भाव पर आधारित हो, इसकी स्पष्ट व्याख्या की जाने की जरूरत है, और हर स्तर पर, स्वयं से लेकर परिवार और परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, इसका पालन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने का कैसे हो पाएगा, ये इसका सूचक होगा। हम उसको कितना पालन कर पा रहे हैं। तो संविधान बना हुआ है ना, उस संविधान को हम देख सकते हैं, उस संविधान में अगर अपने को लगता है कि उससे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था स्पष्ट होती है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं होती है तो उसमें जो कुछ और जोड़ना बनता है उसको हम जोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली हम ये तो चाहेंगे ही कि संविधान से एक गाइडलाइन मिले, है ना। संविधान में नियरली हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे कैसे गलतियां कर सकता है, उस गलती को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, बल्कि संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आए कि हर मानव कैसे सुख समृद्धि पूर्वक जी सकता है और उसको जीने के लिए क्या करना बनता है, क्या आवश्यक है। तो ऐसे एक संविधान की आवश्यकता है। तो जब हमको विधि स्पष्ट होती है तो उस विधि से फिर हम समाज के लिए एक निश्चित संविधान तैयार कर पाते हैं, है ना। ऐसे अंतर्निहित संविधान तैयार कर पाते हैं जिसमें मानव के सुखपूर्वक जीने की स्पष्टता हो पाए। तो इस विधि से जीते हुए, है ना, मानवीय व्यवस्था के कुछ आयाम हो सकते हैं। तो एक मॉडल हमने देखा था जिसमें 5 आयाम का हमने अध्ययन किया था, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य एवं न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य, विनिमय, कोष, इस प्रकार से 5 आयामों का अध्ययन किया था। उसको अगर दूसरे प्रकार से देखें तो 8 आयामों के रूप में देखा जा सकता है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय है, उत्पादन के साथ सेवा, ऐसे विनिमय और वितरण। तो विनिमय एक बात है, वितरण एक और बात है, जिस पर हमने पहले भी कभी चर्चा किया था। सदुपयोग का आयाम होना जरूरी है, संरक्षण का आयाम होना जरूरी है, और सेवा के आयाम के रूप में प्रशासनिक सेवा और सामाजिक सेवा, इन 2 आयामों पर काम होना जरूरी है। तो मानव लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था के क्रम में ये 8 आयामों में काम हो सकता है। तो ये एक अल्टरनेटिव मॉडल है जो पहले हमने 5 आयाम पर चर्चा की थी, उसके साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो शिक्षा के आयाम में देखें तो इस आयाम में व्यक्ति की समझ ही केंद्र बिंदु है। तो अल्टीमेटली शिक्षा का लक्ष्य है कि व्यक्ति के अंदर सही समझ, सही भाव स्थापित हो जाए, है ना। उस समझ को बनाने का प्रयास शिक्षा के आयाम में किया जाता है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में सही समझ, सही विचार और सही व्यवहार की क्षमता का निर्माण करती है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करने और शेष प्रकृति के साथ पारस्परिक रूप से कैसे हम उभय तृप्ति, उभय संतुष्टि के साथ जी सकते हैं, इसके साथ काम करने में सक्षम बनाता है और इस तरह मानव व्यवस्था या प्रणाली में योगदान देता है। तो शिक्षा के द्वारा स्वयं में सही समझ, सही भाव स्थापित होता है, उसका जो फलन है कि हम सही व्यवहार कर पाते हैं, सही कार्य कर पाते हैं, सही भागीदारी कर पाते हैं। तो मानव के साथ हम उभय सुखपूर्वक जी पाते हैं, शेष प्रकृति के साथ हम उभय समृद्धि पूर्वक जी पाते हैं। तो ऐसी शिक्षा पर अगर काम किया जाए तो उसमें निम्न बातों को शामिल करना आवश्यक है। कि पहली बात तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। अभी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जैसे अभी भैया कह रहे थे कि अभी करियर बन गया है, कि एजुकेशन का गोल क्या है, करियर।
करियर का गोल क्या है, तो अधिक से अधिक सुविधा संग्रह और उसका भोग, है ना। और ये अज्यूम्ड है कि अधिक से अधिक सुविधा संग्रह और भोग कर लेंगे तो सुखी तो हो ही जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा, इसको स्थापित होना जरूरी है। शिक्षा की वस्तु और सामग्री क्या होगी, मानवीय शिक्षा में वर्तमान सामग्री का महत्व क्या होगा ना। तो अभी जो कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका भी तो एक निश्चित रोल है ही। तो अगर हम शिक्षा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें अभी जो हम वस्तु दे रहे हैं उसका रोल क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा में पारंपरिक जो प्रयास किए गए हैं, जो बहुत सारे रीति हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं, उसको स्वीकारने की जरूरत है। और एक बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता होगी, जिससे हम प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा को पहुंचा सकें हर व्यक्ति तक। एक अच्छी बात तो ये है आधुनिकता के साथ कि हमने इस बात को स्वीकारा है कि शिक्षा हर मनुष्य की आवश्यकता है। परंपरा में अगर हम कहीं चूक गए और हमने ये मान लिया कि शिक्षा का अधिकार तो सिर्फ एक ही भाग का है, समाज के एक ही भाग का, एक ही वर्ग को शिक्षा का अधिकार है, शेष भाग को है नहीं, तो हम फिर वहां से अव्यवस्था तैयार करते हैं। क्योंकि हर मानव स्वयं और शरीर का सहअस्तित्व है और हर मानव सुखपूर्वक जीना ही चाहता है, तो हर मानव को शिक्षा का अवसर मिलना जरूरी है। फिर शिक्षा में सुनने और सीखने की मानसिकता विकसित होनी जरूरी है। और कौन व्यक्ति कितना समझ कर जी पा रहा है, उसके कुछ संकेतक तैयार होने की जरूरत है ना। कुछ ऐसे पहचान जिससे हम तय कर पाए कि हाँ, अगर हम समझ जाते हैं तो हम ऐसा जीते हैं। अभी ये भी निश्चित नहीं हो पाया कि नहीं, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जो पीएचडी किया हुआ है उसका आचरण ज्यादा निश्चित होगा, जो एमटेक किया हुआ है उससे थोड़ा कम होगा, जो बीटेक उससे कम होगा, है ना, जो हाई स्कूल तक गया उसका और कम होगा, ऐसा तो है नहीं। अभी तो पीएचडी में मान लेते हैं कि हाँ, इनको किसी एक विषय विशेष की जानकारी तो बहुत है, बट हो सकता है ज्यादा आवेश में रहते हो, ज्यादा गुस्सा करते हो, है ना, ज्यादा अनिश्चित आचरण हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो शिक्षा बढ़ने के साथ साथ हमारी समझ बढ़े, और समझ बढ़ेगी तो हमारे जीने में क्या प्रमाण मिलेंगे उस पे निश्चित पहचान होना जरूरी है। वैसे स्वास्थ्य के आयाम में देखें तो इस आयाम की उपलब्धि को मानव शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है। जब यह आयाम अच्छी तरह से काम करता है तो लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के अनुकूल होता है। तो स्वास्थ्य के लिए संयम के भाव की जरूरत है। तो शिक्षा के आयाम से स्वयं में संतुष्टि सुनिश्चित होती है, यानी स्वयं में सुख सुनिश्चित होता है, और स्वास्थ्य के आयाम से शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। तो इस आयाम में अगर हम काम करने जाते हैं तो उसमें हमको निम्न बातों को शामिल करना जरूरी है। तो स्वरूप के रूप में देखें तो स्वास्थ्य कैसा हो, इसका एक सामान्य हम समीक्षा कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, और संयम और स्वास्थ्य के लिए समुचित कार्यक्रम बना सकते हैं। अभी हम देखें तो स्वास्थ्य के आयाम में स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के स्थान पर हम बीमारियों से लड़ने का, बीमारियों को ठीक करने का ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना। अभी दिख रहा है कि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और उसका बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, जबकि सुविधा के दो ही प्रयोजन है, एक तो शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाए और स्वयं में समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो जाए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, समृद्धि का भाव घटता जा रहा है और स्वास्थ्य भी घटता जा रहा है कि नहीं। ये और बात है कि जो बीमारियां हो रही हैं उसके इलाज के लिए हम नए नए उपकरण, नए नए तकनीक, नए नए दवाएं बना ले रहे हैं, परंतु अगर नेचुरली अगर देखें तो कितने लोग हेल्दी हैं आज के समाज में बिना कोई दवा लिए, तो उनकी संख्या घटती जा रही है। पहले आप देखें तो दवाओं का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था, जिस तरह का रहन सहन था, खान पान था, उसके कारण स्वास्थ्य सामान्य रूप से बना ही रहता था। अभी देखें तो लगभग हर व्यक्ति को, है ना, एक पर्सनल डॉक्टर हो गया है, कुछ दवाएं हैं जो नियमित रूप से ले ही रहे हैं कि नहीं। तो संयम का कार्यक्रम स्थापित होना जरूरी है। अभी हम शिक्षा में भी संयम के भाव को स्थापित नहीं कर पाते। अभी दिखाई दिया कि हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं वहां पे फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर शराब पी रहे हैं, है ना, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, और उसके बाद जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं वैसे वैसे अनावश्यक वस्तुओं का सेवन बढ़ता जा रहा है। अभी कैसे सब हो रहा है कि नहीं। अभी ड्रग्स का जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है, जहां जहां कॉलेजेस हैं आप पाएंगे कॉलेजेस के आसपास ड्रग्स का सेल बढ़ जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो हायर एजुकेशन के साथ बच्चों के अंदर संयम का भाव क्यों नहीं बढ़ पा रहा, बच्चे नेचुरली हेल्दी क्यों नहीं रह पा रहे, ये सब अवलोकन के मुद्दे हैं। तो इसके लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना जरूरी है, और फिर स्वास्थ्य के लिए नीतियां बनाना, प्रणालियां बनाना जरूरी है। तो अभी हम स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाते जा रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज की संख्या बढ़ती जा रही है, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, परंतु उसके साथ बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो
तो प्रॉपर नीतियां कैसे बने? डॉक्टर का पहला रोल इलाज करना नहीं, परंतु पहला रोल तो यह हो कि संयम के भाव को स्थापित करें। अगर कोई मरीज आया है तो पहले यह देखे कि बीमार क्यों पड़ा है ना, उस पर ठीक से काम होना जरूरी है। अभी कुछ इस तरह से हो गया है कि अगर लोग बीमार ना पड़े तो डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि तो काम ही हमने ऐसा बना लिया है कि डॉक्टर का रोल है इलाज करना बीमारियों का। अगर कोई बीमार ना पड़े तो डॉक्टर विदाउट जॉब हो जाएंगे, जबकि डॉक्टर का प्राइमरी रोल तो संयम के भाव को विकसित करना है। अगर हम डॉक्टर के रोल को संयम के भाव को विकसित करने के रूप में देखें तो डॉक्टर के पास हमेशा ही काम है फैल कर लोगों के अंदर संयम का भाव विकसित करना, कि नहीं? परंतु अभी हमने उल्टा कर लिया है। तो फिर अगर हम उस पूरे चक्र को देखें तो ऐसा हो जाता है कि फिर यदि लोग बीमार ना पड़े तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इसके लिए बहुत सारे मैल प्रैक्टिस भी दिखाई देता है। फिर बहुत सारी बीमारियां ऐसा पता लगता है पैदा की जाती है ना, या फिर दवाएं ऐसी बनाई जाती हैं जिससे कुछ और बीमारियां पैदा हो। तो एक बीमारी का इलाज हुआ और 10 बीमारियां और पैदा हो गई, ऐसा समान रूप से देखा जा रहा है। तो स्वास्थ्य के आयाम में है ना, नीतिगत ढंग से बहुत सारा काम करने की जरूरत है, उसके लिए सही प्रणालियां विकसित करने की जरूरत है। जैसे परंपरा में देखें तो ऐसी प्रणालियां रही हैं कि गांव के स्तर पर जो शासन के द्वारा नियुक्त वैद्य होते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि हर व्यक्ति के अंदर है ना संयम का भाव सुनिश्चित हो, वो ठीक से अपने शरीर का ध्यान रख पाए। ये एक अंडरस्टूड था कि इनकी जिम्मेदारी है। चीन में बताते हैं कि कुछ ऐसी परंपरा रही है कि अगर कोई गांव का व्यक्ति इलाज कराने आ रहा है तो, या उसको है ना बीमारी हो रही है, तो जो उस गांव के वैद्य होते थे है ना, उनको भी दंड दिया जाता था कि भाई आपके रहते आए व्यक्ति क्यों बीमार पड़ा, आपके रहते गाँव में क्यों ये संक्रामक रोग फैला, समय रहते आपने क्यों नहीं ध्यान आकर्षण कराया। तो हमें सही विधियां स्थापित करने की जरूरत है, सही नीतियां स्थापित करने की जरूरत है। भैया, अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैसे देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो संयम के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए या इलाज के लिए ही जाते हैं। तो कैसे हम इसको थोड़ा देख सकते हैं? एजुकेशन में तो फिर भी देख सकते हैं कि हम इसके बारे में, संयम के बारे में, संयम के भाव के बारे में जानकारी दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देखिए अभी भी देखें तो पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार हुआ है, कुछ चीजें तो समान रूप से स्वीकृति के रूप में समाज में आ गई हैं। तो इस वोट के योग करना है, पेट ठीक नहीं तो कपालभाति करना है ना, प्राणायाम करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में स्थापित हुई हैं पिछले 20 वर्षों में। तो एक प्रोएक्टिव रोल है एक वैद्य का, एक डॉक्टर का है ना। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको पहले से दिखाई दे जाए कि क्यों बीमार पड़ रहे हैं, वजह से कि बीमार पड़े और इलाज कराएं, तो किसी रूप में तो हो रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म और करने की जरूरत है। अभी हमने मेडिकल एजुकेशन को इतना महंगा और खर्चीला बना दिया है कि डॉक्टर्स ने जो फीस पे की है अपने स्टडीज के दौरान, उसको रिकवर करने के लिए ही उनको बहुत सारा कमाना पड़ता है। अभी हॉस्पिटल्स को हमने 5 स्टार होटल बना दिए हैं। आप आज के दिन हॉस्पिटल्स में जाएं तो जिस तरह के टॉयलेट्स हैं, जिस तरह के कैफेटेरिया है, जिस तरह का साफ सफाई उन्होंने कर रखा है, इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया है ट्रीटमेंट कि हर व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कब बीमार पड़ जाए और बीमार पड़े तो कितने का खर्च आ जाए। तो किसी रूप में प्रयास तो है अभी समाज में है ना, बट उसको और विधिवत ढंग से पूरा करने की जरूरत है। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। तो न्याय तभी सुनिश्चित होता है जब एक स्वस्थ मैं, यानी एक सुखी समझदार मैं और स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ संबंधों में पूर्णता को सुनिश्चित कर पाता है। तो न्याय जरूरी है कि मुझमें सही समझ सही भाव, भी तो मैं न्याय में भागीदार हो पाता हूँ। तो जब मुझमें सही समझ सही भाव होता है तो मैं दूसरे के साथ सही भाव को शेयर कर पाता हूँ। जब दूसरा व्यक्ति मेरे सही भाव का सही मूल्यांकन कर पाता है तब वो स्वयं भी सुख पाता है और इस तरह से न्याय स्थापित होता है। तो न्याय में भी उसी तरह से हमें काम करने की जरूरत है जैसे स्वास्थ्य की बात हुई। तो अभी न्याय भी कहाँ जाके टिक गया है कि अगर अन्याय हो गया, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ अन्याय कर दिया, तो फिर क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, कैसे दंड दिया जा सकता है, कैसे उस अन्याय को है ना कॉम्पनसेट किया जा सकता है, और इस तरह के ही कारकों के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जबकि न्याय को अगर हम सही विधि से देखें तो जो न्याय व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनका रोल तो ये होगा कि हर व्यक्ति के अंदर कैसे सही भाव स्थापित हो, कैसे परिवार में आपस में व्यवहार ऐसा हो कि लोग साथ साथ सुखपूर्वक जी पाए। तो यह न्याय जो है वो परिवार से ही शुरू होता है। आज के दिन परिवार में आपस में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रोएक्टिव कार्यक्रम नहीं है। यह
एक विकसित समाज, एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप देखें तो उसमें यह होगा कि ऐसी व्यवस्था होगी कि परिवार की काउंसलिंग हो प्रॉपरली, परिवार में लोगों में संबंधों की ठीक ठीक पहचान हो पाए, उसका निर्वाह हो पाए, मूल्यांकन हो पाए, उभय सुख हो पाए, ऐसे हमें मेजर्स तैयार करने की जरूरत है। तो अभी हम अधिक से अधिक वकीलों को तैयार करते जा रहे हैं, अधिक से अधिक कोर्ट कचहरी स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, बट साथ ही साथ दिखता है कि लड़ाई झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह के लड़ाई झगड़े पहले रेयरली होते थे, है ना, आज के दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। एक गाड़ी की पार्किंग को लेकर पता चला गोलियां चल गई और कई लोग मर गए कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से इतना ज्यादा भिड़ गया कि पुलिस को आना पड़ गया। तो अभी ये दिख रहा है कि लोगों के अंदर न्याय की समझ नहीं बन पा रही, और ऐसी नीतियां और प्रणालियां भी नहीं है जो लोगों के अंदर न्याय की योग्यता को विकसित कर पाए। तो शिक्षा में भी देखें तो उसी तरह से कठिनाई है कि शिक्षा सुविधा केंद्रित हो गया है, समझ केंद्रित नहीं। स्वास्थ्य को भी देखें तो स्वास्थ्य रोग केंद्रित हो गया है, संयम केंद्रित नहीं। न्याय को भी देखें तो न्याय दंड केंद्रित हो गया है कि नहीं, उभय सुख केंद्रित नहीं। तो हमें इन प्रणालियों पर भी ठीक से काम करने की जरूरत है। ये दिखता है कि मौलिक का तो शिक्षा का है, अगर शिक्षा पर ठीक से काम करेंगे तो बाकी आयामों पर भी ठीक से काम हो पाएगा। तो मनुष्य के बीच संबंध की पहचान कैसे ठीक हो पाए, उभय सुख कैसे सुनिश्चित हो पाए। तो जब न्याय सुनिश्चित होता है तो पारस्परिक संबंधों और प्रणालियों में विश्वास और अभयता स्थापित होती है। इसलिए हम पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके बाद ही न्याय की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली न्याय तो मैं का मैं के साथ होने वाला है ना, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ होने वाला है। तो सेल्फ जब सही समझ होगी, सही भाव होगा, तब शेयर कर पाएगा। परिवार की आवश्यकताएं पूरी होंगी, स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा, तब हम दूसरे मनुष्य का शोषण दोहन करने से मुक्त हो पाएंगे, तो न्याय उसका एक प्रतिफल के रूप में आएगा। तो न्याय के प्रति एक समग्र दृष्टि विकसित करने की जरूरत है, जहां हम अन्याय को केंद्र में रखकर अन्याय से संघर्ष करने के लिए विचार करते हैं, उसके बजाय न्याय कैसे सुनिश्चित हो इस पे काम होने की जरूरत है। और हम सभी साथी जो इस सत्र में जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने आप में भी एक एजेंडे मान लें, स्वीकार लें कि मुझे हर संबंध में हर क्षण न्याय करना है, आप देखेंगे कि अगर आप ये निर्णय ले पाते हैं कि आपको हर संबंध में हर क्षण न्याय करना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक बच्चे के साथ भी न्याय करना है, स्पाउस के साथ करना है, अपने पेरेंट्स साथ करना है, इन-लॉज के साथ करना है, फ्रेंड्स साथ करना है, फिर आपको दिखाए तो उसमें मुझे अपनी बहुत योग्यता बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। हम समाज में अन्याय को लेकर तो बहुत सारा शिकायत करते हैं, बट यदि मैं ही अपने आप में तय करूं कि मुझे हर संबंध में हर क्षण न्याय करना है, तो आप देखें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ये जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं तो आपके साथ जितने संबंध जुड़े हुए हैं उसमें तो न्याय सुनिश्चित होने लगेगा, और इसके लिए एक बेहतर न्याय प्रणाली की भी जरूरत है। तो एक विकसित समाज में, विकसित राष्ट्र में ऐसी न्याय प्रणाली होगी जिसमें उभय सुख पे काम हो, ना कि अन्याय को लेकर दंड को केंद्र में रखा जाए कि नहीं। वैसे उत्पादन के आयाम को देखें, उत्पादन शरीर की आवश्यक सुनिश्चित करता है, तो प्रकृति के शेष भाग पर श्रम के परिणाम के रूप में जो प्राप्त होता है उसे उत्पादन कहते हैं। तो यदि हम उत्पादन के आयाम पे काम करते हैं तो इन मुद्दों पे काम करना जरूरी है। जैसे कि उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा, तो दिखता है कि अभी हम बहुत सारा ऐसा उत्पादन कर रहे हैं जो हो सकता अनावश्यक हो। अभी हमको समझ में आता है कि सुविधा का तीन ही प्रयोजन है, शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण, शरीर का सुपयोग। तो ये आर्टिकुलेट करने की जरूरत है एक सिस्टम के लेवल पे, समाज के लेवल पे, कि हम क्या वही उत्पादन कर रहे हैं जो शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में काम आ रहा है, सदुपयोग के अर्थ में काम आ रहा है, या इसके अन्यथा उत्पादन किए जा रहे हैं। अभी हमने क्यों इतना सारा उत्पादन कर लिया है जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अभी युद्ध सामग्री पे आप देखें तो हर देश मेजर शेयर इन्वेस्ट कर रहा है। भारत को देखें तो हम अभी अपने देश में 13% अपना जो जीडीपी है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये तो कम है ना, कई देशों में तो 20-30% भी है। अभी जिस तरह से यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध हुआ है, उसमें आप देखें कि कितने सारे अस्त्र शस्त्र का उत्पादन हुआ होगा, उसमें कितनी सामग्री गई होगी, और उस सामग्री का अगर सदुपयोग किया जाता कितने लोगों की सुविधा की जो सामान्य आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता था। उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा, अभी ऐसे देश भी हो गए हैं जिनका पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो दो देशों के युद्ध पे टिका हुआ है, तो हथियार बेच के ही अपनी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। अगर वो हथियार ना बेच पाए तो भूखे मरने लगेंगे, ऐसी स्थिति बन गई है। तो उनकी आवश्यकता बन गई है कि दो देश आपस में युद्ध करें, यही उत्पादन का लक्ष्य हो गया है, दो देश आपस में युद्ध करें। वैसे ही है ना, हम अगर अपने शरीर के पोषण के अर्थ में देखें, भोजन के अर्थ में देखें,
ऐसा बताते हैं कि भारत और चीन के लोग मिलकर जितना अनाज खाते हैं उससे अधिक अनाज अमेरिका में हम सुअरों को खिला रहे हैं और उसको फिर हम मनुष्य खा रहे हैं। और एक सुअर को अगर आप 13 किलो अनाज खिलाते हैं तो 1 किलो मांस बनता है, यानी हमने जो मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकता था उसका 12 गुना तो हमने बर्बाद कर दिया। अभी इस तरह से हम सुविधाओं का अपव्यय कर रहे हैं, इतना सारा हम चारा और जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि बहुत सारा उत्पादन जो अनाज का हो रहा है वो तो पशुओं को खिलाने के लिए हो रहा है, क्योंकि पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं। अगर उस अनाज को मनुष्य सीधे सीधे खाएं ज्यादा स्वस्थ भी रहेंगे और है ना जीव अवस्था के साथ हम व्यवस्था पूर्वक जी भी पाएंगे। उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा, उत्पादन के लिए मानदंड क्या होंगे, क्या पैमाने होंगे जिस पर हम तय कर पाए कि उत्पादन सही हो रहा है, किन किन उत्पादन करने की जरूरत है, तो पोषण के लिए क्या क्या उत्पादन करना है, संरक्षण के लिए क्या क्या उत्पादन करना है। मजे की बात यह है कि एक तरफ तो हम उत्पादन करता है उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा, जैसे आप शुरू में सोचा कि मुझे केमिकल फ्री भोजन चाहिए तो नहीं मिला, आप सोचे कि मुझे गाय का शुद्ध दूध चाहिए तो नहीं मिलेगा, या उसके लिए बहुत आपको श्रम करना पड़ेगा, बहुत अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो नहीं हो पा रहा। तो उस क्रम में उत्पादन की प्रॉपर नीति बनने की जरूरत है, उसकी व्यवस्था बनने की जरूरत है। लेकिन इसकी बात महत्वपूर्ण समझने की कि ऊपर बैठ के हमको नीति बना भी दें तो अल्टीमेटली उस नीति का अनुपालन कौन करेगा, तो काम तो व्यक्ति के स्तर पर होना है मूल से, जो शिक्षा विधि द्वारा हो सकता है, तब ऊपर बनाई गई नीतियां नीचे तक पहुंच पाएंगी और काम भी आएंगी। अभी तो ऐसा हो गया है कि जो सरकार शराब पे रोक लगा दे सरकार गिर जाएगी, है ना, अगर कोई सरकार ड्रग्स पे रोक लगा दे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये दिखाई था कि व्यक्ति के स्तर पे बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है यथावत, जिसपे काम होना जरूरी है। और फिर हम उत्पादन में जो वर्तमान की समीक्षा है उसको भी विधिवत कर सकते हैं, उसमें हम कहाँ कहाँ इंटरवीन कर सकते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन ला सकते हैं उस पर बात हो सकती है। तो एक मानवीय समाज में उत्पादन आयाम में है ना इन सारे मुद्दों पे काम करना जरूरी है। तो विनिमय का आयाम में देखें तो ना तो हम अपने उपयोग की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और ना ही हर प्रकार की सेवा कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो हम केवल कुछ वस्तुओं का ही उत्पादन कर सकते हैं, अन्य सभी वस्तुएं दूसरों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तो विनिमय के माध्यम से हमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप सभी वस्तुएं और सेवा उपलब्ध हो जाती हैं। तो जब हम विनिमय पे काम करेंगे तो हमें इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देना होगा कि विनिमय और वितरण का लक्ष्य क्या होगा। तो एक आयाम है विनिमय, एक आयाम है वितरण, जो साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो विनिमय में क्या होता है कि मैं कोई वस्तु उत्पादित करता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति कोई वस्तु उत्पादित करता है और वन टू वन एक्सचेंज होता है उसमें, है ना। तो मैं कोई वस्तु दूसरे को देता हूँ, दूसरे उसके बदले में कोई वस्तु मुझे देता है, वो चाहे प्रतीक के रूप में हो या सीधे वस्तु के रूप में हो, वो वैरी कर सकता है। वितरण में होता है कि एक व्यक्ति पूरे समाज के लिए कोई उत्पादित करता है और समाज उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की जिम्मेदारी स्वीकार लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने जिम्मेदारी स्वीकार ली कि मुझे गांव के हर व्यक्ति का बाल काटना है, इसने स्वीकार ली कि मुझे हर व्यक्ति के कपड़े की सिलाई करनी है, इसने स्वीकार लिया कि मुझे हर व्यक्ति के लिए बर्तन बनाना है। तो उसका काम है कि इतना पूरा करके रख देगा और पूरे गाँव ये जिम्मेदारी स्वीकारता है कि इसे घर में कोई अभाव ना हो। तो जो विनिमय है वो वन टू वन है और जो वितरण है एक तरह से देखें तो मेनी टू मेनी है। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार कुछ बनाकर समाज को उपलब्ध करा दे रहा है कि नहीं, और उसे पूरे समाज की आवश्यकता पूरी हो रही है। तो ये भी एक मोड हो सकता है। अगर हमको दिखाई दे कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है और उससे अधिक हम उत्पादन कर पाने में सक्षम है, तो धीरे धीरे विनिमय वितरण का रूप ले लेता है। जैसे आपने अपने घर के पीछे सब्जी उगाई और आपकी आवश्यकता से अधिक हो गया, आप रख देते भाई जिसको जरूरत हो ले जाए, है ना। और ऐसा हो ही सकता है, अभी भी आप अगर अपने घर के पीछे सब्जी उगाना शुरू करेंगे तो कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप लोग आप क्या रहे क्या, इतनी लौकी हो गई है इसका करें क्या, तो आप जाके वितरण कराते हैं, भाई हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए आप रख लीजिए। दूसरे ने अचार बनाया ज्यादा हो गया, वो आपको दे आता है कि भाई आप रख लीजिए, हमें तो उसकी इतनी जरूरत है नहीं। तो हमारे अंदर सहज रूप से जब श्रम के प्रति प्रवृत्ति होती है और सुविधाओं की ठीक ठीक हम पहचान कर पाते हैं तो हमारे अंदर वितरण का भाव आता ही है। तो विनिमय और वितरण का लक्ष्य क्या होगा, विनिमय कितने प्रकार से हो सकता है, जैसे विनिमय प्रतीक मुद्रा से हो सकता है, विनिमय सुविधाओं के आधार पर हो सकता है, विनिमय बहुत सारे मानकों के आधार पर भी हो सकता है। जैसे आदमी देखे तो हम पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, ठीक है ना, उससे प्रतीक मुद्रा का भी लेन देन नहीं होता, खाली नंबर का एक्सचेंज होता है। फिर उनके मूल्यांकन कैसे होंगे कि विनिमय वह समृद्धि के अर्थ में हुआ कि नहीं हुआ। फिर
किसी मुद्रा के विनिमय का दर क्या होगा। अभी आज के इसको लेकर बहुत सारा विवाद होता रहता है ना, कि किसी करेंसी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल उसका प्राइस क्या है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि मनमानी हो रही है, या उसमें ठीक से विनिमय हो पा रहा है, और फिर कैसे हम उचित विनिमय कर पाए। इनफैक्ट समाज में अगर हम इस बात को समझ पाए कि जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसके श्रम को उचित मूल्य मिल जाए, तो आप पाएंगे कि समाज में इतना सारा जो दोहन शोषण फैला हुआ है नियंत्रित होने लगता है। हर व्यक्ति उत्पादन कर पा रहा है और विनिमय कर रहा है, वितरण कर रहा है, और उसके बदले उसको जो भी आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुएं मिल जा रही है, तो समाज में आप देखेंगे शांति, सौहार्द, सुख है ना, बढ़ता जा रहा है, अभय बढ़ता जा रहा है। जैसे ही हम किसी को उसका श्रम का मूल्य नहीं देते हैं, फिर वो शोषण शुरू होता है, फिर दोहन शुरू होता है। दोहन का मतलब किसी हम काम उतने जितना जरूरत उससे अधिक ले रहे हैं, जितने उसकी कार्य क्षमता उससे अधिक हम उससे काम ले रहे हैं, तो दोहन हो गया। कार्य तो ले लिया, उसका मूल्य उसको नहीं दिया, श्रम का मूल्य नहीं दिया, तो शोषण हो गया। तभी ये प्रवृत्ति दिखाई देती है, क्योंकि हम विनिमय सही विधि से नहीं कर रहे होते हैं। तो एक मानवीय समाज में, राष्ट्र के स्वरूप में देखें तो ये बातें शामिल होंगी। वैसे सदुपयोग का आयाम, तो सदुपयोग का आयाम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदुपयोग के बिना सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान ही नहीं हो सकती। यदि हमें सदुपयोग का पता नहीं है तो तय नहीं हो सकता कि कितनी सुविधा की आवश्यकता है। इसको थोड़ा हम देखना शुरू करें कि अगर मैं भोजन का सदुपयोग ना करूं तो कितने भोजन की आवश्यकता है पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अगर मैं कपड़े का सदुपयोग ना करूं तो चाहे जितना भी कपड़ा खरीद लूं, अभी लगे वार्डरोब मेरा खाली है। बट यदि आप इसको स्वीकार लें कि नहीं, अब मुझे इनमें से जितना वार्डरोब में कपड़ा है सब पहनना है, और फटने के बाद ही हमको फेंकना है, ठीक, तो आपको लग सकता है कि 10 साल तक, 20 साल तक कोई कपड़ा खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इतना कपड़ा ऑलरेडी है। तो हमें यह कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है कि सुविधाएं समुचित, सुविधाओं का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, और सिस्टम के स्तर पर देखें तो सुविधाओं के समुचित उपयोग के लिए हम विधि और प्रणाली तैयार कर सकते हैं। सुविधाएं प्राकृतिक संसाधनों और शेष प्रकृति से उत्पन्न होती है, सम्यक उपयोग ही समृद्धि का प्रथम अंग है। यह जरूरतों की पहचान करने में मदद करता है, अंततः प्रकृति के बाकी हिस्सों की देखभाल करने में मदद करता है। तो जो अन्य अवस्थाएं हैं प्रकृति की, उनके प्रति हम पूरक हो पाते हैं। तो इस आयाम में अगर हम काम करने जाते हैं तो फिर उसमें कैसे सदुपयोग सुनिश्चित हो, और अभी जो हो रहा है उसका हम एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जो दुरुपयोग हो रहा है उसका भी हम दुष्परिणाम देख सकते हैं। अब इतना प्लास्टिक हमने फैला दिया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक मेजर इशू हो गया है। जहाँ एनसीआर में मैं बैठा हुआ हूँ, अभी प्रदूषण के कारण है ना, जो सांस की कठिनाइयां हैं बढ़ती जा रही है। अभी लोग सुबह टहलना बंद कर दिए हैं, दौड़ना बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि वो 100 से नीचे होना चाहिए। वैसे क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, उस पर काम होना जरूरी है। वैसे संरक्षण के आयाम को देखें तो जो शेष प्रकृति के साथ उभय समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध और संरक्षित करने की जरूरत है। तो संरक्षण से मनुष्य का शेष प्रकृति के साथ संबंध पूर्ण हो पाता है। हम उन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित यानी समृद्ध और संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग हम उत्पादन और विनिमय के लिए करते रहे या करते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कल के दिन वो हमारे लिए कम पड़ेगा कि नहीं। तो बहुत सारे संसाधनों का अपव्यय होने के कारण उनकी कमी दिखाई दे रही है। अब हमने एक समय पे इतना ज्यादा हमने कोल यूज कर लिया कि अब कोल का अभाव हो रहा है, पेट्रोलियम का अभाव हो रहा है, मिनरल्स का अभाव हो रहा है। अब पता चल रहा है कि मिनरल्स के ऊपर ओनरशिप गेन करने के लिए देशों में युद्ध होने की संभावना है। अब धरती के अंदर से हमने बहुत सारा निकाल लिया, अब हम महासागर के अंदर से निकालने जा रहे हैं, और फिर उसके महासागर के ऊपर कब्जा होने की बात होगी कि महासागर का कौन सा हिस्सा किस देश के कब्जे में होगा, फिर उसके लिए युद्ध होगा, फिर उस युद्ध में हम वही तेल और खनिज लगाएंगे जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात होनी जरूरी है कि संरक्षण के आयाम का उद्देश्य क्या होगा, विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से होगा, संरक्षण की अनदेखी कारण क्या क्या विभिन्न समस्याएं हो रही हैं, उसका कैसे निराकरण हो सकता है। तो एक विकसित समाज में संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। ऐसे लोग होंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर एक संसाधन का संरक्षण ठीक से हो पा रहा है। अभी भी किसी रूप में कर रहे हैं ना, परंतु उसको और सिस्टमेटिकली और विधिवत ढंग से करने की जरूरत है। जी, अभी देशों के बीच में जो आपसी बैठकें होती हैं उसमें प्रदूषण को लेकर, संसाधनों के अभाव को लेकर चर्चा भी होती है। अभी सर्कुलर इकोनॉमी की, सस्टेनेबिलिटी की बहुत सारी बातें हो रही है, तो कहीं संरक्षण पे ध्यान तो हमारा जा रहा है,
परंतु चूंकि मनुष्य पे ठीक से काम नहीं हो पा रहा, इसलिए वो काम पूरा नहीं हो पा रहा, इतनी बात है। फिर सेवा के आयाम के रूप में देखें तो सेवा भाग, इसे सिस्टम सेवा के रूप में जाना जाता है, इस आयाम में विस्तृत रूप से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो विभिन्न कार्य करना, यानी कोई मानव समूह में कोई उत्सव का आयोजन करना हो, जहाँ लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, साझा करते हैं, आपस में सुख को शेयर करते हैं, और भले ही कोई भौतिक वस्तु उससे उत्पादित नहीं होती हो, तो ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं। अभी जैसे दीपावली आ रहा है, तो इन अवसरों का महत्व ये भी है कि हम इसमें परिवार से मिलते हैं, परिवार समूह में हम जाते हैं, परिवार समूह के लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम समान रूप से नहीं मिल पाते। तो सिस्टम में सेवा का उद्देश्य क्या होगा, परिवार में रिश्तों के साथ कैसे हम सेवा का निर्वाह कर सकते हैं, उत्पादन व विनिमय के संबंध में है ना सेवा का स्वरूप क्या होगा, समाज के संबंध में सेवा का स्वरूप क्या होगा, और सेवाओं की कुछ फॉर्मल सिस्टम्स बनेंगे, कुछ इनफॉर्मल सिस्टम्स बनेंगे। जैसे आज के दिन भी बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं ना, एनजीओ समाज में जहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। कहीं स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है, कहीं शिक्षा के लिए बना हुआ है, कहीं न्याय के लिए बना हुआ है, कहीं कोई समस्याओं को रोकने के लिए बना हुआ है। तो सेवा के भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से संरचनाएं स्थापित होंगी। तो इन आयामों को विफलता के बिना कार्य में सक्षम बनाने के लिए सिस्टम के स्तर पर सेवा के आयाम की आवश्यकता होती है। जैसे भी जितने हमने सिस्टम्स की बात की, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उत्पादन है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि सही ढंग से काम करे, तो प्रशासनिक स्तर पर भी सेवा की जरूरत है और संबंधों के आधार पर भी सेवा की जरूरत है। तो दो स्तरों पर काम करता है, एक तो जिसे हम व्यवस्था प्रशासनिक सेवा के द्वारा सुनिश्चित करते हैं, और दूसरा हम समाज सेवा के द्वारा स्थापित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो प्रशासनिक सेवा आज के दिन भी है, तो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा काम कर रहे हैं। तो जो 10 सोपानीय व्यवस्था है उसमें हर एक स्तर पर हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे, कुछ लोग हैं जो जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका क्रियान्वयन करने में भागीदारी करेंगे, और कुछ लोग हैं जो समाज के लिए आगे बढ़कर अपना आवश्यकता से जो शेष है, समय, धन, है ना, इनको अर्पित समर्पित करेंगे ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो आज के दिन भी ऐसा हो रहा है, परंतु यदि मूल में हम मानव लक्ष्य को ले आए तो उसका एक बेहतर स्वरूप बन सकता है। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम एनजीओ तो बनाते हैं, बट एनजीओ ब्लैक मनी को छुपाने का एक स्रोत बन गया है। तो हम समाज सेवा ना करते अल्टीमेटली कहीं शोषण कर रहे हैं, और इसके अर्थ में उसको हम छुपा दे रहे हैं। तो समाज सेवा का भी सही स्वरूप क्या होगा, इनफैक्ट समाज की सेवा भी अगर करनी है तो अगर हम सुविधा और शरीर के स्तर पर करें तो उसे कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होगा, बट यदि हम ज्ञान के स्तर पर करें तो उससे अस्थायी परिवर्तन हो पाएगा। तो समाज में भी सेवा का सही स्वरूप क्या होगा, इस पर काम होने की जरूरत है। फिर इसके साथ संविधान का स्वरूप, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि इसे ठीक से समझा जाए, इसके सभी आयामों, उनके कार्यों, और व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने की आवश्यकता, इसे पहचानने की आवश्यकता है। तो इसके संकलन को ही संविधान कहते हैं। इसे समाज में कानून और व्यवस्था, यानी कि जो अंतर्निहित सिद्धांत है और उसका क्रियान्वयन है, उसके रूप में देखा जाता है। तो इसे एक साथ रहने में, संबंधों में जीने में, आपस में सद्भाव और सौहार्द को स्थापित करने में, और सहअस्तित्व के नियमों और विनियमों को पालन करने के रूप में देखा जाता है। तो कोई व्यक्ति संविधान को समाज में सामंजस्य रूप से, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के नैतिक दिशा निर्देशों के एक संग्रह के रूप में भी पहचान सकता है। तो जैसा हमने पहले बात किया कि संविधान विधि को स्थापित करने की एक मार्गदर्शिका होगी कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि क्या होगी, न्यायपूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने की विधि क्या होगी। तो जिसको अभी हमने 8 आयाम में डिस्कस किया, उसका एक संकलन होगा संविधान में। इसके फैलाव में देखें तो परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक, यानी सार्वभौम मानवीय व्यवस्था तक, इसका एक फैलाव दिखाई देता है। तो उसी की एक इकाई है राष्ट्र। तो जब हम एक मानवीय राष्ट्र की बात करते हैं, एक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो उस विकसित राष्ट्र में इन 8 आयामों पर ठीक से काम होने की जरूरत होगी, तभी हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा, हो पाएगा। तो विकसित राष्ट्र का महत्व ये नहीं कि हमारा राष्ट्र सामरिक हथियारों से लैस होगा, है ना, हम पूरे विश्व पे शासन कर रहे होंगे, सभी हमारा शोषण स्वीकार कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा जो राष्ट्र होगा वो विश्व परिवार व्यवस्था की एक इकाई होगा, अन्य राष्ट्रों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्याय सुनिश्चित कर पाएगा, व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएगा, सहअस्तित्व सुनिश्चित कर पाएगा। एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, उसको लेकर जो हम लोगों ने बातें की उस पर स्पष्टता बन पाती है।
इस पूरी बात को समाप्त किया जाए अगर, तो किसी भी सिस्टम को सुचारू चलाने के लिए सिस्टम या ऑर्डर के विवरण में जाने की जरूरत है, और मानव जीवन और इस अस्तित्व में उसकी भागीदारी से संबंधित जो बुनियादी सिद्धांत हैं, दिशा निर्देश हैं, उसे एक संविधान के रूप में पहचाना गया है। इनमें किसी को अपना जीवन कैसे जीना है और इस सिस्टम में कैसे भाग लेना है, इस पे जो निर्देश हैं, सलाह हैं, शामिल होते हैं। संविधान में मानव व्यवस्था और उसके जो अंतर्निहित सिद्धांत हैं उसको स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो सिद्धांत जो होंगे हमारे सुखपूर्वक जीने के, उसको संविधान में शामिल किया जाएगा, जैसा हमने अभी तक डिस्कस किया। और जीने के प्रत्येक स्तर पर, स्वयं से लेकर विश्व परिवार तक, इसका पालन कैसे सुचारू रूप से होगा, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो मानव लक्ष्य की पूर्ति हेतु जो समाज के 8 आयाम हैं, उस पर हमने चर्चा की, और इन आयामों को विफलता के बिना कैसे सुचारू से चलाया जाए, उसके लिए सेवा के आयाम की जरूरत होगी, और ये दो स्तर पे काम करता है, प्रशासनिक सेवा और समाज सेवा। तो एक व्यवस्थित समाज में इन दोनों सेवा के आयामों पे सुचारू रूप से काम करने की जरूरत है। इन सभी आयामों और उनके कार्यों और व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की जरूरत है, जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। इसे समाज में कानून और व्यवस्था, यानी जो जो इनेट लॉज है, कानून को समझना और उसको फिर जीना, इसको देखे जाने की जरूरत है। तो इतनी बात हम लोगों ने आज की, ये जितनी बातें मैंने अपनी तरफ से कही, ये एक प्रस्ताव के रूप में है, हम सबके लिए जांचने के लिए, जीकर देखने के लिए, और उस पर हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, उसे समझने का काम कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। तो आज के लिए हम लोगों ने टॉपिक सोचा था कि विकसित समाज और राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, इस पे थोड़ी बात रखेंगे और इसको हम लोग आपसी संवाद के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से रखूंगा और फिर हम सब साथी उस पे अपने विचार, अपने मंतव्य रख सकते हैं। साथ में ही यह अपेक्षा होगी कि जो भी बात सामने से आ रही है उसको हम एक प्रस्ताव के रूप में ले, उसको अपने आप में जांच कर देखें। तो आज हम लोग एक विकसित समाज के स्वरूप पे बात करने वाले हैं। तो इसमें जो मौलिक बातें हैं उस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है और उसके फैलाव पे आज थोड़ी बात करेंगे। इसमें कुछ बातें स्वयं में जांच परख करने के लिए हैं और कुछ बातें उसको विचार में फैलाने के लिए हैं, चित्रित करने के लिए हैं अपनी कल्पनाशीलता में। तो समाज को देखें, और जैसा पहले भी कई बार संडे की मीटिंग में, वर्कशॉप में और दूसरे मीटिंग्स में भी चर्चा में आया, तो समाज व्यवस्था का अर्थ क्या है, हम समाज किसे कहते हैं। समाज को जब देखते हैं तो उसमें हमें कुछ लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे व्यक्ति के स्तर पर देखें तो हमारी अपेक्षा होती है कि हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव हो, यानी हर व्यक्ति समाधानित हो, जिससे हर व्यक्ति सुखपूर्वक जी पाए। परिवार के स्तर पर देखें तो हम चाहेंगे कि हर परिवार में समृद्धि हो, यानी हर परिवार को अपनी सुविधा की आवश्यकताओं की निश्चित पहचान हो और उससे अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो। वैसे समाज के स्तर पे देखें तो हम अभय चाहते हैं। अभय का मतलब परस्पर एक दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति हो, विश्वास का भाव हो, जिससे हम साथ साथ सुखपूर्वक रह पाए। और मानव के अलावा जो शेष प्रकृति है, इसमें पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी, हवा, पानी है ना, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के साथ भी हमारा सहअस्तित्व पूर्वक जीना हो। इसको जब पूरा करने जाते हैं तो 5 आयाम दिखाई देते हैं: शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, कार्य, न्याय, सुरक्षा, विनिमय, कोष। इनमें से हर एक आयाम को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है पहले भी, इनके भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, और आज हम इन आयामों के एक वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। तो समाज की व्यवस्था को हम 5 आयामों में रख सकते हैं, और आज हम लोग एक दूसरा मॉडल देखेंगे जिसमें हम इसको 8 आयाम में रख सकते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि फैलाव को देखें तो इसका फैलाव परिवार से लेकर विश्व परिवार तक दिखाई देता है। तो मानव परिवार में जीता है, हमें से हर व्यक्ति परिवार में है, परिवार में हम जन्म लेते हैं, परिवार में हम संबंधों को पहचानते हैं, परिवार में हम सुविधाओं की आवश्यकताओं को पहचानते हैं, परिवार में धीरे धीरे बड़े होते हुए हम परिवार की जिम्मेदारी लेना स्वीकार लेते हैं, उसको समझ पाते हैं, और फिर जब हम स्वयं एक परिवार बनाते हैं ना, तो वो पिछले पीढ़ी के साथ जुड़कर एक परंपरा का रूप लेता है। तो हम में से हर व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य है। परिवार परिवार आपस में मिलते हैं तो परिवार समूह बनते हैं, परिवार समूह जब आपस में मिलते हैं तो बड़े स्तर का समूह बनता है, जिसे ग्राम कह सकते हैं।
फिर ऐसे कई ग्राम आपस मिलते हैं तो ग्राम समूह बन जाता है। और ऐसे ही हम जब इस समग्र दृष्टि के साथ देखते हैं तो पूरा विश्व हमको एक परिवार के रूप में दिखाई देता है जिसकी एक कड़ी है राष्ट्र। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इस समाज का स्वरूप कैसा होगा, उसमें क्रम में हम ये भी देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप कैसे होगा। बेसिकली राष्ट्र समाज की एक इकाई है और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, तो कई राष्ट्रों को मिलाकर विश्व है। अगर हम स्टेप वाइज चलते हुए देखें तो यदि 10 लोगों का एक परिवार है जिसमें 3 पीढ़ी साथ साथ रह रहे हैं तो परिवार में व्यवस्था सुगम रूप से बन पाती है। जो सबसे छोटी पीढ़ी है और जो सबसे बड़ी पीढ़ी है एक दूसरे के लिए पूरक हो पाते हैं, एक दूसरे के शरीर का ध्यान रखने के लिए, भावों को शेयर करने के लिए, और जो बीच की पीढ़ी है वो सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रम ज्यादा व्यवस्थित ढंग से कर पाती है, और हम सभी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे के पूरक हो पाते हैं। और ये भी दिखता है कि एक परिवार में सारी सुविधाओं की आवश्यकता स्वयं उस परिवार के उत्पादन से तो पूरी नहीं होगी, तो फिर हम कई परिवारों के साथ जुड़ते हैं, है ना। कुछ आवश्यकता है जो परिवार के सीमा में पूरी हो जाती है, कुछ आवश्यकता है जो परिवार समूह की सीमा में पूरी होती है। तो परिवार में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जिसमें हमें एक बड़े परिवार की आवश्यकता होती है, शादी ब्याह है, किसी की मृत्यु हो गई, है ना, या उत्पादन में ही हमको भागीदारी चाहिए, या जो सुविधाओं का संरक्षण कर रहे हैं उसमें हमें भागीदारी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे जो हम रीतियों का पालन करते हैं उसमें भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो परिवार समूह में बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उत्पादन के स्तर पर भी देखेंगे तो कुछ उत्पादन परिवार के स्तर पर हो पाता है, कुछ उत्पादन परिवार समूह के स्तर पर हो पाता है। वैसे ही व्यवस्था के आगे के चरणों को देखें तो परिवार समूहों का जो समूह है ग्राम, वहां पर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। तो इनमें से हर एक स्तर पर व्यवस्था के विभिन्न आयाम हमको दिखाई देते हैं और पूरा करने की प्रणालियां दिखाई देती हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक राष्ट्र का स्वरूप दिखाई देता है। तो राष्ट्र के स्तर पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं और फिर राष्ट्र ही आपस में मिलकर विश्व परिवार बनाते हैं। तो हम परंपरागत रूप से भी देखें अपने राष्ट्र में, अपने देश में, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे, पूरा धरती ही एक कुटुंब है, एक परिवार है कि नहीं। तो मानव की चाहना के रूप में देखें तो हम संबंध में कहीं रुकना नहीं चाहते, धरती के हर मानव को परिवार के सदस्य के रूप में हम स्वीकारना चाहते हैं, उनके साथ संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। परंतु स्थिति है उसको देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र की सीमा में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसमें भय का वातावरण है, प्रकृति के साथ पूर्वक जीना आ रहा, कई परिवारों की सुविधाओं की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही, और व्यक्ति के स्तर पे बहुत सारा कंफ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन, मानी, है ना, शोषण, दोहन, ये सारी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। तो समस्याएं तो दिखाई दे रही हैं परंतु उसके साथ समाधान भी है। इस पर उन्होंने पहले भी बात की थी कि दो अप्रोच हो सकता है हमको देखने का, एक तो समाधान केंद्रित और दूसरा समस्या केंद्रित। अक्सर जब हम समाज की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, हमारे ध्यान में समस्याएं आती हैं। तो फिलिस्तीन बीच जिस युद्ध चल रहा है, कितना बड़ा युद्ध बन सकता है, कितनी बड़ी विभीषिका हो सकती है, इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है, नहीं कहीं ये विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। और अब जो विश्व युद्ध होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध से ज्यादा घातक होगा। तो कई देश ऐसे हो गए हैं जिनके पास इतने सशक्त हथियार हैं कि अगर किसी दूसरे देश का पटके अपने ऊपर ही पटक ले तो भी पूरा विश्व नष्ट हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह की संभावनाएं, आशंकाएं बन गई है। तो समस्याएं तो हमें दिखाई दे रही हैं, बट समस्याएं एक संकेत है, इस बात का संकेत है कि समाधान है और हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। और समाधान क्या है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो समाधान समाज के स्तर पर तभी निकल पाता है जब व्यक्ति के स्तर पर समाधान सुनिश्चित होता है, और व्यक्ति के स्तर पर समाधान को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है। शिक्षा जो परिवार से शुरू होती है, किस सिस्टम में हमें मिलती है, और हम आजीवन चीजों को सीखते रहते हैं, और यदि समझ पूरी नहीं हुई तो समझते भी रहते हैं। तो समझ का असर हमें जीने के हर स्तर पे, जीने के हर पड़ाव पे उपलब्ध ही रहता है। हम जितना ध्यान देते हैं समझते हैं, और इस क्रम में ही आज की चर्चा में हम लोग कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे।
इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। भैया, ये जब हम अभी समाज की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा एक छोटा सा मानना है जो मैं अभी शेयरिंग में भी, कि पहले हम अपने आप से अगर थोड़ा इम्प्रूव होते हैं, मतलब पहले हमारे स्पाउस को, फिर हमारे घर को, फिर मोहल्ले को, ऐसा धीरे धीरे जो हम करते जा रहे, तो ही ये समाज बन सकता है ना भैया। लेकिन हर एक ने ये सोचना चाहिए, ये मेरा कहना, ठीक है? समाज की तरफ जब जी हम बढ़ रहे। जी हाँ हाँ प्लीज। तो हम अपने लक्ष्य पे तो मानव लक्ष्य पहचानेंगे। सबसे पहला जो काम है तो मानव लक्ष्य को पहचानना, तो जी हमारी इच्छा में स्थापित है क्या वो मानव लक्ष्य का अनुरूप है। हमारी इच्छा मानव लक्ष्य के अर्थ में है या हमारी इच्छा इससे अन्यथा बनी हुई है, कई बार इसके विरोधी बनी है। जैसे इच्छा ये बनी हुई है पूरे समाज को लूट के परिवार भरना है, तो न तो परिवार व्यवस्थित न समाज व्यवस्थित होगा। परंतु यदि हमें समाधान ही देता है, हमें मानव लक्ष्य समझ में आता है, तो दिखता है कि समाज के आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ही परिवार पूरी होती है। परिवार की आवश्यकता सही विधि से पूरा करते हैं तो समाज की भी पूरी होती है। तो हम में से हर व्यक्ति इन 10 सोपान पे कहीं ना कहीं भागीदार है। हम परिवार में भागीदार हैं तो परिवार समूह में भागीदार हैं, उसके बड़े समूह में ही भागीदार हैं। और हमें से हर जी व्यक्ति या तो व्यवस्था में भागीदार है या अव्यवस्था में भागीदार है। किसी भी क्षण हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो हम व्यवस्था अच्छा में भागीदार हैं या हम अव्यवस्था में। अगर हम व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा तो जीतेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम सदुपयोग नहीं कर रहे तो किसी रूप में दुरुपयोग तो कर रहे हैं बिल्कुल कि नहीं, क्योंकि तो संसाधन भी जो प्रकृति से मिल रहे हैं, जी इसलिए हम जी सबकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। जी 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 तो आप भैया, ओके। हाँ ऊपर काम करेंगे, हाँ हाँ अपने मतलब ऊपर हर काम एक करना तो मौलिक बात है। ने अगर ये सोचा ना भैया, अभी अभी जो मैं राजुल भैया जी को सुन रहा था, 70,000 टीचर्स ही लगे, तो अभी तो हम इंडिया में करोड़ों है ना, सभी के सभी, तो एवरीबडी कैन हेल्प, है ना, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, ये सब समझ के काम कर सकते हैं। जी भैया नमस्ते, नमस्ते सभी को, धन्यवाद। अभी जैसे माहौल तो अच्छा नहीं है, जैसे वर्ल्ड को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ चालू है। हर एक कंट्री अपने अपने जगह पे अपनी अपनी बात रख रहा है और कोई शांति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है कोई कंट्री, ऐसा दिखने में आ रहा है। तो उन्होंने कभी यूएचओ के बारे में नहीं सुना होगा क्या, या कुछ ऐसा उनके तरफ ऐसा प्रस्ताव नहीं होगा क्या कि कुछ चीजें शांतिपूर्वक निपटाई जा सकती है बिना लड़ाई किए, ऐसा मेरा क्वेश्चन है भैया जी। देखिए उसको देखें तो दोनों ही चीजें हैं, तो दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, बट बहुत जी सारे देशों के युद्ध नहीं हो रहा है। तो जरूर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुख समृद्धि के लिए शांति के लिए जी प्रयासरत हैं, इनके प्रयासों से उस स्तर पर समस्याएं नहीं पहुंची है जहां पहुंच सकती थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कई बार ऐसे अवसर बने कि जी विश्व युद्ध हो सकते हैं। पिछले साल भी यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये संभावना लग रही थी कि विश्व हो सकता है, नहीं हुआ। इसमें आप देखें तो समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान तो है जो सबके सुख सोच रहे हैं, जी सबके समृद्धि की सोच रहे हैं, जो शांति व्यवस्था की सोच रहे हैं, है ना। हम भी अपने आप में जी कई बार हम आवेश में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि यही आवेश हमारे जीने का तरीका है। तो हम कई बार सार्थक ढंग से भी विचार करते हैं, कभी कभी आवेशित भी हो जाते हैं। तो अगर अपना अध्ययन करेंगे तो विश्व का भी अध्ययन हो जाता है, कैसे चल रही है चीजें। हमारे अंदर जी कभी उन्माद बढ़ जाता है, कभी आवेश बढ़ जाता है, कभी विरोध का भाव बढ़ जाता है, कभी अव्यवस्था का भाव बढ़ जाता है, कभी संघर्ष का भाव बढ़ जाता है, और फिर कुछ समय बाद ध्यान आकर्षण होता है तो हम फिर संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, संस्कृति के अर्थ में विचार करने लगते हैं। ये उथल पुथल जो हमारे अंदर है वही उथल पुथल परिवार में भी दिखाई देगा, जी कभी परिवार में आवेश बढ़ जाता है ना। कभी आपको दिखाई दो परिवार आपस में एक दूसरे को मारने काटने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए, और वही साल भर जी बाद होता है, पर्व त्योहार मना रहे हैं कि नहीं। कभी जी कभी ऐसा होता होता है है कि ऐसा। होता है परिवार में ही कुछ लोग आपस में नहीं जुड़ पा रहे, नहीं बातें कर पा रहे, कुछ समय बाद जुड़ जाते हैं परिवार। कुछ परिवार आपस में लंबे समय तक विरोध के भाव को बनाए रखते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, है ना, संबंध को पहचानने जी लगते हैं। तो यही देशों के जी बीच में भी हो रहा है। तो जी अगर तो अपना अध्ययन करेंगे ना तो जो भी समाज के स्तर पे हो रहा है उसका भी अध्ययन होने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा निर्णय तो मानव ही ले रहा है। जी जी मतलब समझ का अभाव है उन लोगों के बीच में।
वो भी तो परिवार से जुड़े होंगे शुरू से, है, उनकी भी तो कुछ ऐसे संस्कार होंगे, तो उस घर के संस्कार देश तक जाना और वहां पे ये युद्ध की प्रवृत्ति में बदल जाना, ये कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है ना भैया जी। जी ठीक तो नहीं है, बिल्कुल हाँ ठीक नहीं है। जी और बल्कि आप ये भी देखें साथ में कि अभी भी विश्व के स्तर पे लोग बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व को शांतिपूर्वक कैसे, यानी एक व्यवस्था बनाई जाए पूरे विश्व के स्तर पर, कैसे देशों के बीच में जी हार्मनी स्टैब्लिश हो, है ना। तो प्रयास दूसरी तरफ से भी हो रहे हैं, इसलिए आप देखें तो जितना डैमेजिंग कोई युद्ध हो सकता था उतना डैमेजिंग नहीं हो पा रहा। और ये भी दिखाई देता है कि अभी जिस तरह की गलत मान्यताएं बन गई हैं कि पैसा ही सब कुछ है, या प्रकृति भोग की वस्तु है, उसके कारण ये युद्ध की समस्या प्रबल हो जा रही है। और कई जगह आपको दिखाई दिया कि सभ्यतागत ढंग से भी कुछ मान्यताएं बहुत प्रबल रही है। तो हमें अल्टीमेटली व्यक्ति के स्तर पर समाधान के लिए काम करना होगा, ताकि फिर परिवार में समृद्धि और समाज में अभय हो पाए, है ना। और तभी आगे चलकर फिर प्रकृति में सहअस्तित्वपूर्वक जीना भी हो पाता है कि नहीं। तो अगर व्यक्ति के स्तर पर जी देखेंगे तो चार आयाम दिखाई देते हैं, तो दर्शन, अनुभव, अनुभव मतलब ज्ञान, है ना, ज्ञान का पूरा होना अनुभव है, ज्ञान का पूरा होना अनुभव है। तो हमारे ज्ञान में जो चीजें स्थापित हो जाती हैं, फिर हमारे वो विचार को गाइड करता है, जो विचार में हमें गाइडेंस देता, फिर हमारे व्यवहार में आगे रास्ता जाता है, इस प्रकार भी जुड़ा हुआ है। तो दर्शन, अनुभव से विचार, व्यवहार और व्यवस्था आगे जाए। उसी को अगर सच में देखते हैं तो दिखता है कि एक विधि स्थापित होती है समाज में कि ये सुख समृद्धि को जीने विधि है। ये कैसे स्थापित होती है उसके लिए हम लोग भी कार्यक्रम चर्चा करेंगे, परंतु इस विधि स्थापित होना निरंतर की पूजा होगी। तो ये हमें ज्ञान के स्तर पर स्थापित होता है, चाहे संस्कृति सुधार होती है, फिर हमारे आपस के व्यवहार सभ्य रूप में जाता है, और फिर उसको ही जब रूप में कराते हैं रूप में। तो मानस देखें, अनुभव से चार व्यवहार से तो समस्याएं दिखाई देती, भागीदारी स्तर पर बहुत समस्या समस्या है, उस विचारों में समस्या है, बहुत सारी प्रकृति पिछले 300 वर्षों में ज्ञान को और जिस स्वयं समझ पाई। तो व्यक्ति के स्तर पर जो आयाम दिखाई देते हैं, अनुभव, अनुभव से विचार, विचार से व्यवहार, व्यवहार से कार्य और व्यवस्था में भागीदारी, वही समाज के स्तर पर देखते हैं तो इस रूप में दिखाई देता है कि समाज में एक विधि स्थापित होती है जो ज्ञान का ही प्रतिफल है। उस विधि के आधार पर संस्कृति स्थापित होती है, संस्कृति के आधार पर फिर सभ्यता स्थापित होती है, सभ्यता के आधार पर फिर व्यवस्था स्थापित होती है। ये बात ठीक है। तो जब हम समस्याओं को देखते हैं तो समाज में हम सभ्यतागत, व्यवस्थागत, है ना, समस्याओं को देखते हैं, बट उसके मूल में कुछ गलत मान्यताएं बन गई हैं जो कुसंस्कृति का रूप ले लेती है। और उसके मूल में देखें तो ऐसा हो सकता है कि अभी हम समाज में कोई निश्चित विधि स्थापित नहीं कर पाए। जैसे बहुत सारा ऐसा अप्रेजल किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, और ये दिखाई देता है कि विश्व भर में लोगों को अभी यही निश्चित नहीं हो पाया कि सुख है क्या। जब यही स्पष्ट नहीं है कि सुख है क्या, तो सुख पूर्वक जीने की विधि कैसे स्थापित होगी। अगर यही स्थापित ना हो पाए कि मानव है क्या, जहाँ सेल्फ की पहचान ही ना हो, मैं की पहचान ही ना हो, और फिर हम सोचें कि मानव सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, तो कैसे होगा। तो मानव अपने आप को शरीर मान के जी रहा है, तो सुविधाओं को सुख मान के जी रहा है, तो सुख को निरंतर बनाए रखने के लिए सुविधा संग्रह भोग में लगा हुआ है। संग्रह भोग में लगे रहते हुए युद्ध हो रहा है, शासन हो रहा है, शोषण हो रहा है, संग्रह हो रहा है ना, दमन हो रहा है, ये सब दिखाई देता है। बट मूल में क्या है कि मानव को सुख की पहचान ही नहीं है।
मानव को मानव की पहचान ही नहीं है, संबंधों की पहचान ही नहीं है। तो हमें दिखाई था कि मूल समस्या तो वहां है कि समाज में अभी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि स्थापित नहीं हुई है, सुख की अवधारणा ही स्थापित नहीं हुई है, समृद्धि की अवधारणा ही स्थापित नहीं हुई है। मानव मानव संबंध में न्याय कैसे होगा, इसकी अवधारणा ही स्थापित नहीं हुई है, और ये मौलिक काम है। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं मूल शिक्षा में, है ना, उसमें एक मौलिक काम तो ये है कि पूरे विश्व में, है ना, सुख की एक निश्चित अवधारणा स्थापित हो पाए, लोग समझ पाए कि सुख क्या है, लोग समझ पाए कि मानव क्या है, लोग समझ पाए कि संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, सहअस्तित्व क्या है। वो काम हो पाएगा तो बाकी उसके फलन के रूप में अपने आप होने लगेगा। जैसे हम अगर अपने आप में जांच के देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितना जितना हम सेल्फ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं उतना विचारों में शांति मिलती जा रही है, उतना हमारा व्यवहार जो है ठीक होता जा रहा है, रिएक्शन कम होता जा रहा है, रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है, और उतना ही जो भगदड़ थी जीने में, है ना, जिसके कारण अव्यवस्था फैला रहे थे, क्षणिक रूप से सुख पाने के लिए दूसरों से कोई अनुकूल भाव पाकर, शरीर से कोई अनुकूल संवेदना पाकर, वो अब सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले जितनी सुविधाओं की आवश्यकता लगती थी उससे अब कम लग रही है कि नहीं? पहले परिवार में जो समस्याएं थी उसमें हमें हर दूसरा व्यक्ति गलत और हम स्वयं को सही मान रहे थे, अब हमें दिख रहा है कि स्वयं पे काम करना है, अब हम दूसरों के प्रति शिकायत के भाव से मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम स्वयं में ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं। तो ज्ञान के लिए काम करते हैं, अनुभव के लिए काम करते हैं, तो विचार में शांति होती है, व्यवहार में उभय सुख होता है, और व्यवस्था में जब भागीदारी करते हैं तो अपने से बड़ी व्यवस्था धीरे धीरे फलित होने लगती है। तो हमें समझ में आती है बात, जैसे अभी शेयरिंग हो रही थी जिन साथियों की, है ना, प्रशांत जी ने शेयर किया तो उनकी पत्नी ने भी शेयर किया, तो ऐसा दिखाई देता है कि एक व्यक्ति को समझ में आता है तो व्यवहार में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता ही है, और फिर जब दूसरे व्यक्ति को दिखाई देता है कि एक व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने ऊपर काम कर रहा है समझने के लिए, जीने के लिए, तो परस्पर सुख भी बढ़ता है, परिवार में व्यवस्था भी बढ़ती है, यही परिवार से आगे बढ़ के फिर विश्व परिवार में जाता है। तो ये एक क्रम है, इस चीज को अपने आप में देखने की जरूरत है। तो हम दर्शन के स्तर पर जितना ठीक ठीक काम कर पाएंगे, अनुभव के स्तर पर जितना ठीक ठीक काम कर पाएंगे, उतना समाज में निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि स्थापित होगी। ये काम होगा तो उसके फल में बहुत सारी चीजें अपने आप में लगेंगी, और इस काम को करने के लिए ही स्वयं में जांचना, उसको जी कर देखना, फैल कर भागीदारी करना, ये सारा आवश्यक है। ये बात ठीक है? इसको लेकर किन्हीं का कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। एक बार ये बात स्पष्ट हो जाएगी फिर आगे की बातें और स्पष्ट होंगी। सर, अभी भैया जैसे देख रहे हैं कि व्यक्ति के स्तर पर और समाज के स्तर पर, तो ये दर्शन, विचार, व्यवहार, व्यवस्था, भागीदारी, ये तो समझ में आ रहा है। ये जो विधि है इनेट लॉज, तो ये इनेट लॉज बनेगा जो हमारा रियलाइजेशन होगा उस राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, क्या उसी के आधार पर जो लॉज बन रहा है उसको कह रहे हैं या कुछ और है? इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते भैया। उसकी स्पष्टता बनेगी। अच्छा जी, तो जब हम में ज्ञान स्थापित होता है तो फिर समाज के स्तर पर ज्ञान पूर्वक निरंतर सुख पूर्वक जीने की एक स्पष्टता स्थापित होती है कि ये विधि है। जैसे अभी आज देखिए सही विधि क्या है, ये कहाँ क्लैरिटी मिल पाती है। इसीलिए अभी इतना सा कॉम्पिटिशन करते हैं, संघर्ष को प्रमोट करते हैं, है ना कि नहीं? जी जी भैया, स्पष्ट हुआ। इतना सारा संग्रह भोग के लिए प्रवृत्ति को प्रमोट करते हैं क्योंकि सही जीने की विधि स्पष्ट नहीं है। अभी लोगों को यही स्पष्ट नहीं है कि बेसिकली वो सुखी होना चाहते हैं जी कि नहीं। जी भैया, जी, इसे बहुत अच्छी चर्चा चल रहा है और मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ आपके समूह से, और कुछ बात मन में प्रसंग है। वैसे कि जैसे चर्चा हो रही थी कि ह्यूमन वैल्यूज में हम ये देख रहे हैं कि जब से कैरियर के लिए लोग बात सचेत हुए कि कैरियर को इम्पोर्टेंस देना जब से शुरू हुआ है, तब से कहीं हमारी मानवता कहीं चुपचाप खड़ी केवल ताकती रहती है। बाकी चर्चा की तो बात है, लेकिन बिना पढ़े भी लोग थे, गांवों में संयुक्त तौर पर रहते थे, मानवता थी ना, कहीं ऐसी असंवेदनशीलता नहीं थी जितनी कि आजकल परिवेश में बढ़ी है कैरियर के नाम पर। और मैंने देखा कि वैसे ना तो पहले इतने वृद्धाश्रम थे, ना ही
वो थे, अनाथालय थे। तो ये वैसा जो दुराहे पर हम लोगों की शिक्षा नीति के माध्यम से हम आए हैं, या कैरियर, जो मुझे जो मेरा अपना मूल्यांकन है कि कैरियर के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, भौतिक बात की तरफ जो आकर्षण बढ़ा, उसका प्रभाव है। तो इस पर वैसा थोड़ा हमारा जो द्वंद्व के विचार, इसको स्पष्ट करने के वैसा चाहूंगा जी, उसी कि की बात हो रही है कि अभी निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि स्थापित नहीं हो पाई है। तो जब हम गांव में रह रहे थे तो भी हमें पूरा स्पष्ट नहीं था, तभी तो हम शहर की ओर आ गए, और शहर से फिर हम, है ना, इस तरह के बहुत सारे जो अभी अमानवीयता की प्रवृत्तियां बनती जा रही उस तरफ जा रहे हैं। तो अगर विधि स्थापित हो गई होती तो फिर हमें बदलने की जरूरत नहीं थी, वो विधि स्थापित नहीं हो पाई इसलिए हम बदलते जा रहे हैं। अभी भी अगर हम तृप्त नहीं हुए तो फिर कुछ और करेंगे। अगर अभी हमको लगे कि मानव के साथ तो सुखपूर्वक नहीं जिया जा सकता, तो मानव जैसे रोबोट बनाएंगे, उनसे परिवार बनाएंगे, है ना, फिर उनके साथ जीने का प्रयास करेंगे। तो अभी अगर हमको मानव के साथ सुखपूर्वक जीने की विधि क्या होगी, शेष प्रकृति के साथ समृद्धि पूर्वक जीने की विधि क्या होगी अगर स्पष्ट हो जाए, तो फिर एक निश्चित आचरण के साथ जिएंगे। नहीं स्पष्ट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहेंगे। तो पहले हम जिस प्रकार से रह रहे थे उसके लिए, उसके कारण बहुत सारी अनुकूलताएं थी, परंतु तब भी हम ये नहीं कह पा रहे थे कि हम निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहे हैं, इसलिए तो उसमें परिवर्तन करने लगे। तभी बेसिकली समाज उस दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है जिसमें सुख की निरंतरता हो जाए, और ये बात स्पष्ट ही नहीं हो पा रही कि सुख की निरंतरता कैसे होगी। तो कई बार हम मान ही लेते हैं कि मानव सुखी नहीं हो सकता, हम मान ही लेते हैं कि मानव साथ साथ जियेंगे तो संघर्ष युद्ध चलता रहेगा, इसलिए सब चल रहा है। भैया जी, एक ये बात तो नहीं है, आपने एक बात हमारे जो आपने बात की ना, टेक्नोलॉजी के जमाने में जो लोगों की अनसेटिस्फेक्शन है, अब जैसे एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो कई चीजें हैं और चीजें हैं, जितना हम संसाधन इस तरीके का डेवलप कर रहे हैं, उतना हम अशांत भी होते जा रहे हैं, निर्भरता भी बढ़ती जा रही है, आत्मनिर्भरता भी कम हो रही है, और वो चीज जी अनसेटिस्फेक्शन और बढ़ता जा रहा है। तो जी ये तो जो समस्या का मानवीय हमारे विश्लेषण को, हुआ, बल्कि ये तो समस्या का विश्लेषण हुआ, ये तो हम करते जा सकते हैं, परंतु अभी हमें समाधान देखना है कि समाधान क्या होगा। तो विधि पूर्वक जीते हुए हमें संविधान का स्वरूप स्पष्ट होता है, एक मानवीय समाज में संविधान का स्वरूप क्या होगा। तो मानव जीवन और इस अस्तित्व में उसकी भागीदारी से संबंधित जो बुनियादी सिद्धांत है और दिशा निर्देश है, उससे उक्त एक मार्गदर्शक पुस्तिका, एक गाइडलाइन, है ना, जिसको कंपाइल करके हम एक बुक का रूप दे पाए, एक संविधान का रूप दे पाए, मानव प्रणालियों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। तो पुस्तक में किसी को अपना जीवन कैसे जीना है और व्यवस्था में कैसे भाग लेना है, इसमें निर्देश या सलाह शामिल होगी। संविधान में विस्तार से बताया जाएगा कि मानवीय जीवन कैसे जिया जाए, किसी की जीवन शैली मानवता और मानवीय व्यवस्था का रूप है या नहीं, इसे संविधान में सामने लाया जाएगा। संविधान में मानव व्यवस्था या व्यवस्था और उसके अंतर्निहित सिद्धांतों, जो सही समझ और सही भाव पर आधारित हो, इसकी स्पष्ट व्याख्या की जाने की जरूरत है। और हर स्तर पर, स्वयं से लेकर परिवार और परिवार से लेकर विश्व परिवार तक, इसका पालन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलने का कैसे हो पाएगा, ये इसका सूचक होगा। हम उसको कितना पालन कर पा रहे हैं। तो संविधान बना हुआ है ना, उस संविधान को हम देख सकते हैं। उस संविधान में अगर अपने को लगता है कि उससे निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था स्पष्ट होती है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं होती है तो उसमें जो कुछ और जोड़ना बनता है उसको हम जोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली हम ये तो चाहेंगे ही कि संविधान से एक गाइडलाइन मिले, है ना। संविधान में नियरली हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति कैसे कैसे गलतियां कर सकता है, उस गलती को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, बल्कि संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आए कि हर मानव कैसे सुख समृद्धि पूर्वक जी सकता है और उसको जीने के लिए क्या करना बनता है, क्या आवश्यक है। तो ऐसे एक संविधान की आवश्यकता है। तो जब हमको विधि स्पष्ट होती है तो उस विधि से फिर हम समाज के लिए एक निश्चित संविधान तैयार कर पाते हैं, है ना, ऐसे अंतर्निहित संविधान तैयार कर पाते हैं जिसमें मानव के सुखपूर्वक जीने की स्पष्टता हो पाए। तो इस विधि से जीते हुए, है ना, मानवीय व्यवस्था के कुछ आयाम हो सकते हैं। तो एक मॉडल हमने देखा था जिसमें 5 आयाम का हमने अध्ययन किया था, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा, उत्पादन, कार्य, विनिमय, कोष, इस प्रकार से 5 आयामों का अध्ययन किया था। उसको अगर दूसरे प्रकार से देखें तो 8 आयामों के रूप में देखा जा सकता है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय है, उत्पादन के साथ सेवा,
ऐसी विनिमय और वितरण, तो विनिमय एक बात है, वितरण एक और बात है, जिसमें हमने पहले भी कभी चर्चा किया था। सदुपयोग का आयाम होना जरूरी है, संरक्षण का आयाम होना जरूरी है, और सेवा के आयाम के रूप में प्रशासनिक सेवा और सामाजिक सेवा, इन दो आयामों पर काम होना जरूरी है। तो मानव लक्ष्य को पूरा करने के क्रम में, निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था के क्रम में ये 8 आयामों में काम हो सकता है। तो ये एक अल्टरनेटिव मॉडल है, जो पहले हमने 5 आयाम पर चर्चा की थी, उसके साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो शिक्षा के आयाम में देखें, इस आयाम में व्यक्ति की समझ ही केंद्र बिंदु है। तो अल्टीमेटली शिक्षा का लक्ष्य है कि व्यक्ति के अंदर सही समझ, सही भाव स्थापित हो जाए, है ना। उस समझ को बनाने का प्रयास शिक्षा के आयाम में किया जाता है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में सही समझ, सही विचार और सही व्यवहार की क्षमता का निर्माण करती है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करने और शेष प्रकृति के साथ पारस्परिक रूप से कैसे हम उभय तृप्ति, उभय संतुष्टि के साथ जी सकते हैं, इसके साथ काम करने में सक्षम बनाता है और इस तरह मानव व्यवस्था या प्रणाली में योगदान देता है। तो शिक्षा के द्वारा स्वयं में सही समझ, सही भाव स्थापित होता है। उसका जो फलन है कि हम सही व्यवहार कर पाते हैं, सही कार्य कर पाते हैं, सही भागीदारी कर पाते हैं। तो मानव के साथ हम उभय सुखपूर्वक जी पाते हैं, शेष प्रकृति के साथ हम उभय समृद्धिपूर्वक जी पाते हैं। तो ऐसी शिक्षा पर अगर काम किया जाए तो उसमें निम्न बातों को शामिल करना आवश्यक है। कि पहली बात तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। अभी शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जैसे अभी भैया कह रहे थे कि अभी करियर बन गया है, कि एजुकेशन का गोल क्या है, करियर। करियर का गोल क्या है, तो अधिक से अधिक सुविधा संग्रह और उसका भोग, है ना। और ये अज्यूम्ड है कि अधिक से अधिक सुविधा संग्रह और भोग कर लेंगे तो सुखी तो हो ही जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा, इसको स्थापित होना जरूरी है। शिक्षा की वस्तु और सामग्री क्या होगी, मानवीय शिक्षा में वर्तमान सामग्री का महत्व क्या होगा। तो अभी जो कुछ हम इनपुट दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका भी तो एक निश्चित रोल है। तो अगर हम शिक्षा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें अभी जो हम वस्तु दे रहे हैं उसका रोल क्या होगा। वैसे शिक्षा में पारंपरिक जो प्रयास किए गए हैं, जो बहुत सारे रीति हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैं, उसको स्वीकारने की जरूरत है। और एक बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता होगी, जिससे हम प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक शिक्षा को पहुंचा सकें हर व्यक्ति तक। एक अच्छी बात तो ये है आधुनिकता के साथ कि हमने इस बात को स्वीकारा है कि शिक्षा हर मनुष्य की आवश्यकता है। परंपरा में अगर हम कहीं चूक गए और हमने ये मान लिया कि शिक्षा का अधिकार तो सिर्फ एक ही भाग का है, समाज के एक ही भाग का, एक ही वर्ग को शिक्षा का अधिकार है, शेष भाग को है नहीं, तो हम फिर वहां से अव्यवस्था तैयार करते हैं। क्योंकि हर मानव स्वयं और शरीर का सहअस्तित्व है और हर मानव सुखपूर्वक जीना ही चाहता है, तो हर मानव को शिक्षा का अवसर मिलना जरूरी है। फिर शिक्षा में सुनने और सीखने की मानसिकता विकसित होनी जरूरी है। और कौन व्यक्ति कितना समझ कर जी पा रहा है, उसके कुछ संकेतक तैयार होने की जरूरत है ना। कुछ ऐसे पहचान जिससे हम तय कर पाए कि हाँ, अगर हम समझ जाते हैं तो हम ऐसा जीते हैं। अभी ये भी निश्चित नहीं हो पाया कि नहीं, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जो PhD किया हुआ है उसका आचरण ज्यादा निश्चित होगा, जो MTech किया हुआ है उससे थोड़ा कम होगा, जो BTech उससे कम होगा, है ना, जो हाई स्कूल तक गया उसका और कम होगा, ऐसा तो है नहीं अभी। तो PhD में मान लेते हैं कि हाँ, इनको किसी एक विषय विशेष की जानकारी तो बहुत है, बट हो सकता है ज्यादा आवेश में रहते हो, ज्यादा गुस्सा करते हो, है ना, ज्यादा अनिश्चित आचरण हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो शिक्षा बढ़ने के साथ साथ हमारी समझ बढ़े, और समझ बढ़ेगी तो हमारे जीने में क्या प्रमाण मिलेंगे उस पर निश्चित पहचान होना जरूरी है। वैसे स्वास्थ्य के आयाम में देखें तो इस आयाम की उपलब्धि को मानव शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है। जब यह आयाम अच्छी तरह से काम करता है तो लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के अनुकूल होता है। तो स्वास्थ्य के लिए संयम के भाव की जरूरत है। तो शिक्षा के आयाम से स्वयं में संतुष्टि सुनिश्चित होती है, यानी स्वयं में सुख सुनिश्चित होता है, और स्वास्थ्य के आयाम से शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। तो इस आयाम में अगर हम काम करने जाते हैं तो उसमें हमको निम्न बातों को शामिल करना जरूरी है। तो स्वरूप के रूप में देखें तो स्वास्थ्य कैसा हो, इसका एक सामान्य हम समीक्षा कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, और संयम और स्वास्थ्य के लिए समुचित कार्यक्रम बना सकते हैं। अभी हम देखें तो स्वास्थ्य के आयाम में स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के स्थान पर हम बीमारियों से लड़ने का, बीमारियों को ठीक करने का ज्यादा काम कर रहे हैं, है ना। अभी दिख रहा है कि सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं,
जबकि सुविधा के दो ही प्रयोजन है, एक तो शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाए और स्वयं में समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो जाए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, समृद्धि का भाव घटता जा रहा है और स्वास्थ्य भी घटता जा रहा है कि नहीं। ये और बात है कि जो बीमारियां हो रही हैं उसके इलाज के लिए हम नए नए उपकरण, नए नए तकनीक, नए नए दवाएं बना ले रहे हैं, परंतु अगर नेचुरली अगर देखें तो कितने लोग हेल्दी हैं आज के समाज में बिना कोई दवा लिए, तो उनकी संख्या घटती जा रही है। पहले आप देखें तो दवाओं का प्रचलन इतना ज्यादा नहीं था, जिस तरह का रहन सहन था, खान पान था, उसके कारण स्वास्थ्य सामान्य रूप से बना ही रहता था। अभी देखिए तो लगभग हर व्यक्ति को है ना एक पर्सनल डॉक्टर हो गया है, कोई दवाएं हैं जो नियमित रूप से ले ही रहे हैं कि नहीं। तो संयम का कार्यक्रम स्थापित होना जरूरी है। अभी हम शिक्षा में भी संयम के भाव को स्थापित नहीं कर पाते हैं। अभी दिखाई दिया कि हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों साथ मिलकर शराब पी रहे हैं, है ना। हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उसके बाद जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं वैसे वैसे अनावश्यक वस्तुओं का सेवन बढ़ता जा रहा है। अभी कैसे सब हो रहा है कि नहीं। अभी ड्रग्स का जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है, जहां जहां कॉलेजेस हैं आप पाएंगे कॉलेजेस के आसपास ड्रग्स का सेल बढ़ जा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो हायर एजुकेशन के साथ बच्चों के अंदर संयम का भाव क्यों नहीं बढ़ पा रहा, बच्चे नेचुरली हेल्दी क्यों नहीं रह पा रहे, ये सब अवलोकन के मुद्दे हैं। तो इसके लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाना जरूरी है और फिर स्वास्थ्य के लिए नीतियां बनाना, प्रणालियां बनाना जरूरी है। तो अभी हम स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाते जा रहे हैं, डॉक्टर्स नर्सेज की संख्या बढ़ती जा रही है, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, परंतु उसके साथ बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रॉपर नीतियां कैसे बने। डॉक्टर का पहला रोल इलाज करना नहीं, परंतु पहला रोल तो ये हो कि संयम के भाव को स्थापित करें। अगर कोई मरीज आया है तो पहले यह देखे कि बीमार क्यों पड़ा है ना, उस पर ठीक से काम होना जरूरी है। अभी कुछ इस तरह से हो गया है कि अगर लोग बीमार ना पड़े तो डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि काम ही हमने ऐसा बना लिया है कि डॉक्टर का रोल है इलाज करना बीमारियों का। अगर कोई बीमार ना पड़े तो डॉक्टर विदाउट जॉब हो जाएंगे, जबकि डॉक्टर का प्राइमरी रोल तो संयम के भाव को विकसित करना है। अगर हम डॉक्टर के रोल को संयम के भाव को विकसित करने के रूप में देखें तो डॉक्टर के पास हमेशा ही काम है फैल कर लोगों के अंदर संयम का भाव विकसित करना कि नहीं, परंतु अभी हमने उल्टा कर लिया है। तो फिर अगर हम उस पूरे चक्र को देखें तो ऐसा हो जाता है कि फिर यदि लोग बीमार ना पड़े तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो इसके लिए बहुत सारे मैल प्रैक्टिस भी दिखाई देता है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसा पता लगता है जब पैदा की जाती हैं, है ना, या फिर दवाएं ऐसी बनाई जाती हैं जिससे कुछ और बीमारियां पैदा हो। तो एक बीमारी का इलाज हुआ और 10 बीमारियां और पैदा हो गई, ऐसा सामान्य रूप से देखा जा रहा है। तो स्वास्थ्य के आयाम में है ना नीतिगत ढंग से बहुत सारा काम करने की जरूरत है, उसके लिए सही प्रणालियां विकसित करने की जरूरत है। जैसे परंपरा में देखें तो ऐसी प्रणालियां रही हैं कि गांव के स्तर पर जो शासन के द्वारा नियुक्त वैद्य होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि हर व्यक्ति के अंदर है ना संयम का भाव सुनिश्चित हो, वो ठीक से अपने शरीर का ध्यान रख पाए। ये एक अंडरस्टूड था कि इनकी जिम्मेदारी है। चीन में बताते हैं कि कुछ ऐसी परंपरा रही है कि अगर कोई गांव का व्यक्ति इलाज कराने आ रहा है तो, या उसको है ना बीमारी हो रही है, तो जो उस गांव के वैद्य होते थे है ना उनको भी दंड दिया जाता था कि भाई आपके रहते आए व्यक्ति के क्यों बीमार पड़ा, आपके रहते गांव में क्यों ये संक्रामक रोग फैला, समय रहते आपने क्यों नहीं ध्यान आकर्षण कराया। तो हमें सही विधियां स्थापित करने की जरूरत है, सही नीतियां स्थापित करने की जरूरत है। भैया, अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो में हम कैसे देख सकते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो संयम के लिए कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि लोग तो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए या इलाज के लिए ही जाते हैं। तो कैसे हम इसको थोड़ा देख सकते हैं? एजुकेशन में तो फिर भी देख सकते हैं कि हम इसके बारे में, संयम के बारे में, संयम के भाव के बारे में जानकारी दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देखिए अभी भी देखें तो पिछले 20 वर्षों में जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार हुआ है, कुछ चीजें तो समान रूप से एक स्वीकृति के रूप में समाज में आ गई हैं कि भाई सुबह उठ के योग करना है, पेट ठीक नहीं तो कपालभाति करना है ना, प्राणायाम करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें समाज में स्थापित हुई है पिछले 20 वर्षों में। तो ये एक प्रोएक्टिव रोल है एक वैद्य का, एक डॉक्टर का ना। अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो आपको पहले से दिखाई दे जाए कि क्यों बीमार पड़ रहे हैं, वजह से कि बीमार पड़े और इलाज कराएं, तो किसी रूप में तो हो रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म और करने की जरूरत है। अभी हमने मेडिकल एजुकेशन को इतना महंगा और खर्चीला बना दिया है कि डॉक्टर्स ने जो फीस पे की है अपने स्टडीज के दौरान उसको रिकवर करने के लिए ही उनको बहुत सारा कमाना पड़ता है। अभी हॉस्पिटल्स को हमने 5 स्टार होटल बना दिए हैं,
आप आज के दिन हॉस्पिटल्स में जाएं तो जिस तरह के टॉयलेट्स हैं, जिस तरह के कैफेटेरिया है, जिस तरह का साफ सफाई उन्होंने कर रखा है, इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया है ट्रीटमेंट कि हर व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं कब बीमार पड़ जाए और बीमार पड़े तो कितने का खर्च आ जाए। तो इसी रूप में प्रयास तो है अभी समाज में, है ना, बट उसको और विधिवत ढंग से पूरा करने की जरूरत है। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। तो न्याय तभी सुनिश्चित होता है जब एक स्वस्थ मैं, यानी एक सुखी समझदार मैं और स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ संबंधों में पूर्णता को सुनिश्चित कर पाता है। तो न्याय जरूरी है कि मुझमें सही समझ सही भाव, तो मैं न्याय में भागीदार हो पाता हूँ। तो जब मुझमें सही समझ सही भाव होता है तो मैं दूसरे के साथ सही भाव को शेयर कर पाता हूँ। जब दूसरा व्यक्ति मेरे सही भाव का सही मूल्यांकन कर पाता है तब वो स्वयं भी सुख पाता है और इस तरह से न्याय स्थापित होता है। तो न्याय में भी उसी तरह से हमें काम करने की जरूरत है जैसे स्वास्थ्य की बात हुई। तो अभी न्याय भी कहाँ जाके टिक गया है कि अगर अन्याय हो गया, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ अन्याय कर दिया, तो फिर क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, कैसे दंड दिया जा सकता है, कैसे उस अन्याय को, है ना, कॉम्पनसेट किया जा सकता है, और इस तरह के ही कारकों के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जबकि न्याय को अगर हम सही विधि से देखें तो जो न्याय व्यवस्था में बैठे लोग हैं उनका रोल तो ये होगा कि हर व्यक्ति के अंदर कैसे सही भाव स्थापित हो, कैसे परिवार में आपस में व्यवहार ऐसा हो कि लोग साथ साथ सुखपूर्वक जी पाए। तो यह अन्याय जो है वो परिवार से ही शुरू होता है। आज के दिन परिवार में आपस में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रोएक्टिव कार्यक्रम नहीं है। तो एक विकसित समाज, एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप देखें तो उसमें यह होगा कि ऐसी व्यवस्था होगी कि परिवार की काउंसलिंग हो प्रॉपरली, परिवार में लोगों में संबंधों की ठीक ठीक पहचान हो पाए, उसका निर्वाह हो पाए, मूल्यांकन हो पाए, उभय सुख हो पाए, ऐसे हमें मेजर्स तैयार करने की जरूरत है। तो अभी हम अधिक से अधिक वकीलों को तैयार करते जा रहे हैं, अधिक से अधिक कोर्ट कचहरी स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, बट साथ ही साथ दिखता है कि लड़ाई झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह के लड़ाई झगड़े पहले रेयरली होते थे, है ना, आज के दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। एक गाड़ी की पार्किंग को लेकर पता चला गोलियां चल गई और कई लोग मर गए कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड से इतना ज्यादा भिड़ गया कि पुलिस को आना पड़ गया। तो अभी ये दिख रहा है कि लोगों के अंदर न्याय की समझ नहीं बन पा रही, और ऐसी नीतियां और प्रणालियां भी नहीं है जो लोगों के अंदर न्याय की योग्यता को विकसित कर पाए। तो शिक्षा में भी देखें तो उसी तरह से कठिनाई है कि शिक्षा सुविधा केंद्रित हो गया है, समझ केंद्रित नहीं। स्वास्थ्य को भी देखें तो स्वास्थ्य रोग केंद्रित हो गया है, संयम केंद्रित नहीं। न्याय को भी देखें तो न्याय दंड केंद्रित हो गया है कि नहीं, उभय सुख केंद्रित नहीं। तो हमें इन प्रणालियों पर भी ठीक से काम करने की जरूरत है। ये दिखता है कि मौलिक का तो शिक्षा का है, अगर शिक्षा पर ठीक से काम करेंगे तो बाकी आयामों पर भी ठीक से काम हो पाएगा। तो मनुष्यों के बीच संबंध की पहचान कैसे ठीक हो पाए, उभय सुख कैसे सुनिश्चित हो पाए। तो जब न्याय सुनिश्चित होता है तो पारस्परिक संबंधों और प्रणालियों में विश्वास और अभयता स्थापित होती है। इसलिए हम पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके बाद ही न्याय की बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली न्याय तो मैं का मैं के साथ होने वाला है ना, एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ के साथ होने वाला है। तो सेल्फ जब सही समझ होगी, सही भाव होगा, तब शेयर कर पाएगा। परिवार की आवश्यकताएं पूरी होंगी, स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा, तब हम दूसरे मनुष्य का शोषण दोहन करने से मुक्त हो पाएंगे, तो न्याय उसका एक प्रतिफल के रूप में आएगा। तो न्याय के प्रति एक समग्र दृष्टि विकसित करने की जरूरत है, जहां हम अन्याय को केंद्र में रखकर अन्याय से संघर्ष करने के लिए विचार करते हैं, उसके बजाय न्याय कैसे सुनिश्चित हो इस पे काम होने की जरूरत है। और हम सभी साथी जो इस सत्र में जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने आप में भी एक एजेंडे मान लें, स्वीकार लें कि मुझे हर संबंध में हर क्षण न्याय करना है, आप देखेंगे कि अगर आप ये निर्णय ले पाते हैं कि आपको हर संबंध में हर क्षण न्याय करना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक बच्चे के साथ भी न्याय करना है, स्पाउस के साथ करना है, अपने पेरेंट्स के साथ करना है, इन लॉज के साथ करना है, फ्रेंड्स के साथ करना है, फिर आपको दिखाई दे उसमें मुझे अपनी बहुत योग्यता बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। हम समाज में अन्याय को लेकर तो बहुत सारा शिकायत करते हैं, बट यदि मैं ही अपने आप में तय करूं कि मुझे हर संबंध में हर क्षण न्याय करना है, तो आप देखें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ये जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं तो आपके साथ जितने संबंध जुड़े हुए हैं उसमें तो न्याय सुनिश्चित होने लगेगा, और इसके लिए एक बेहतर न्याय प्रणाली की भी जरूरत है। तो एक विकसित समाज में, विकसित राष्ट्र में ऐसी न्याय प्रणाली होगी जिसमें उभय सुख पे काम हो, ना कि अन्याय को लेकर दंड को केंद्र में रखा जाए कि नहीं। वैसे उत्पादन के आयाम को देखें, उत्पादन शरीर की आवश्यकता के आवश्यक सुनिश्चित करता है,
तो प्रकृति के शेष भाग पर श्रम के परिणाम के रूप में जो है प्राप्त होता है, उसे उत्पादन कहते हैं। तो यदि हम उत्पादन के आयाम पे काम करते हैं तो इन मुद्दों पे काम करना जरूरी है। जैसे कि उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा, तो दिखता है कि अभी हम बहुत सारा ऐसा उत्पादन कर रहे हैं जो हो सकता है अनावश्यक हो। अभी हमको समझ में आता है कि सुविधा का तीन ही प्रयोजन है, शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण, शरीर का सुपयोग। तो ये आर्टिकुलेट करने की जरूरत है एक सिस्टम के लेवल पे, समाज के लेवल पे, कि हम क्या वही उत्पादन कर रहे हैं जो शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में काम आ रहा है, सदुपयोग के अर्थ में काम आ रहा है, या इसके अन्यथा उत्पादन किए जा रहे हैं। अभी हमने क्यों इतना सारा उत्पादन कर लिया है जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। अभी युद्ध सामग्री पे आप देखें तो हर देश एक मेजर शेयर इन्वेस्ट कर रहा है। भारत को देखें तो हम अभी अपने देश में 13% अपना जो GDP है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये तो कम है ना। कई देशों में तो 20-30% भी है। अभी जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ है, उसमें आप देखें कि कितने सारे अस्त्र शस्त्र का उत्पादन हुआ होगा, उसमें कितनी सामग्री गई होगी, और उस सामग्री का अगर सदुपयोग किया जाता कितने लोगों की सुविधा की जो सामान्य आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सकता था। उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा, अभी ऐसे देश भी हो गए हैं जिनका पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो दो देशों के युद्ध पे टिका हुआ है, तो हथियार बेच के ही अपनी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। अगर हथियार ना बेच पाए तो भूखे मरने लगेंगे, ऐसी स्थिति बन गई है। तो उनकी आवश्यकता बन गई है कि दो देश आपस में युद्ध करें, यही उत्पादन का लक्ष्य हो गया है, दो देश आपस में युद्ध करें। वैसे ही है ना, हम अगर अपने शरीर के पोषण के अर्थ में देखें, भोजन के अर्थ में देखें, तो ऐसा बताते हैं कि भारत और चीन के लोग मिलकर जितना अनाज खाते हैं उससे अधिक अनाज अमेरिका में हम सुअरों को खिला रहे हैं, और उसको फिर हम मनुष्य खा रहे हैं। और एक सुअर को अगर आप 13 किलो अनाज खिलाते हैं तो 1 किलो मांस बनता है, यानी हमने जो मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकता था उसका 12 गुना तो हमने बर्बाद कर दिया। अभी इस तरह से हम सुविधाओं का अपव्यय कर रहे हैं, इतना सारा हम चारा और जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि बहुत सारा उत्पादन जो अनाज का हो रहा है वो तो पशुओं को खिलाने के लिए हो रहा है, क्योंकि पशुओं को मनुष्य खा रहे हैं। अगर उस अनाज को मनुष्य सीधे सीधे खाए, ज्यादा स्वस्थ भी रहेंगे और है ना जीव अवस्था के साथ हम व्यवस्था पूर्वक जी भी पाएंगे। उत्पादन का लक्ष्य क्या होगा, उत्पादन के लिए मानदंड क्या होंगे, क्या पैमाने होंगे जिस पर हम तय कर पाए कि उत्पादन सही हो रहा है, किन किन वस्तुओं का उत्पादन करने की जरूरत है, तो पोषण के लिए क्या क्या उत्पादन करना है, संरक्षण के लिए क्या क्या उत्पादन करना है। मजे की बात यह है कि एक तरफ तो हम उत्पादन करता है उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा, जैसे कि आज आप शुरू में सोचा कि मुझे केमिकल फ्री भोजन चाहिए तो नहीं मिला, आप सोचे कि मुझे गाय का शुद्ध दूध चाहिए तो नहीं मिलेगा, या उसके लिए बहुत आपको श्रम करना पड़ेगा, बहुत अलग से व्यवस्था बनानी पड़ेगी तो नहीं हो पा रहा। तो उस क्रम में उत्पादन की प्रॉपर नीति बनने की जरूरत है, उसकी व्यवस्था बनने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक बात महत्वपूर्ण समझने की, ऊपर बैठ के हम कोई नीति बना भी दें तो अल्टीमेटली उस नीति का अनुपालन कौन करेगा। तो काम तो व्यक्ति के स्तर पर होना है मूल से, जो शिक्षा विधि द्वारा हो सकता है, तब ऊपर बनाई गई नीतियां नीचे तक पहुंच पाएंगी और काम भी आएंगी। अभी तो ऐसा हो गया है कि जो सरकार शराब पे रोक लगा दे सरकार गिर जाएगी, है ना, अगर कोई सरकार ड्रग्स पे रोक लगा दे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये दिखाई था कि व्यक्ति के स्तर पे बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है यथावत, जिस पे काम होना जरूरी है। और फिर हम उत्पादन में जो वर्तमान की समीक्षा है उसको भी विधिवत कर सकते हैं, उसमें हम कहाँ कहाँ इंटरवीन कर सकते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, उस पर बात हो सकती है। तो एक मानवीय समाज में उत्पादन के आयाम में है ना इन सारे मुद्दों पर काम करना जरूरी है। तो विनिमय के आयाम में देखें तो न तो हम अपने उपयोग की प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और न ही हर प्रकार की सेवा कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो हम केवल कुछ वस्तुओं का ही उत्पादन कर सकते हैं, अन्य सभी वस्तुएं दूसरों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। तो विनिमय के माध्यम से हमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप सभी वस्तुएं और सेवा उपलब्ध हो जाती हैं। तो जब हम विनिमय पे काम करेंगे तो हमें इस तरह के मुद्दों पर ध्यान देना होगा कि विनिमय और वितरण का लक्ष्य क्या होगा। तो एक आयाम है विनिमय, एक आयाम है वितरण, जो साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो विनिमय में क्या होता है कि मैं कोई वस्तु उत्पादित करता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति कोई वस्तु उत्पादित करता है और वन टू वन एक्सचेंज होता है उसमें, है ना। तो मैं कोई वस्तु दूसरे को देता हूँ, दूसरे उसके बदले में कोई वस्तु मुझे देता है, वो चाहे प्रतीक के रूप में हो या सीधे वस्तु के रूप में हो, वो वैरी कर सकता है। वितरण में होता है कि एक व्यक्ति पूरे समाज के लिए कोई उत्पादित करता है और समाज उस व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति जिम्मेदारी स्वीकार लेता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने जिम्मेदारी स्वीकार ली कि मुझे गांव के हर व्यक्ति का बाल काटना है, इसने स्वीकार लिया कि मुझे हर व्यक्ति के कपड़े की सिलाई करनी है, इसने स्वीकार लिया कि मुझे हर व्यक्ति के लिए बर्तन बनाना है,
तो उसका काम है कि इतना पूरा करके रख देगा और पूरे गांव ये जिम्मेदारी स्वीकारता कि इसे घर में कोई अभाव ना हो। तो जो विनिमय है वो 1-to-1 है और जो वितरण है वो एक तरह से देखें तो मेनी टू मेनी है। तो हर व्यक्ति अपने अनुसार कुछ बनाकर समाज को उपलब्ध करा दे रहा है कि नहीं, और उससे पूरे समाज की आवश्यकता पूरी हो रही है। तो ये भी एक मोड हो सकता है। अगर हमको दिखाई दे कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है और उससे अधिक हम उत्पादन कर पाने में सक्षम है, तो धीरे धीरे ये विनिमय वितरण का रूप ले लेता है। जैसे आपने अपने घर के पीछे सब्जी उगाई और आपकी आवश्यकता से अधिक हो गया, आप रख देते भाई जिसको जरूरत हो ले जाए, है ना। और ऐसा हो ही सकता है, अभी भी आप अगर अपने घर के पीछे सब्जी उगाना शुरू करेंगे तो कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि आप लोग आप क्या रहे, क्या इतनी लौकी हो गई है, इसका करें क्या। तो आप जाके वितरण कराते हैं, भाई हमें इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। दूसरे ने अचार बनाया ज्यादा हो गया, वो आपको दे आता है कि भाई आप रख लीजिए, हमें तो उसकी इतनी जरूरत है नहीं। तो हमारे अंदर सहज रूप से जब श्रम के प्रति प्रवृत्ति होती है और सुविधाओं की ठीक ठीक हम पहचान कर पाते हैं, तो हमारे अंदर वितरण का भाव आता ही है। तो विनिमय और वितरण का लक्ष्य क्या होगा? विनिमय कितने प्रकार से हो सकता है? जैसे विनिमय प्रतीक मुद्रा से हो सकता है, विनिमय सुविधाओं के आधार पर हो सकता है, विनिमय बहुत सारे मानकों के आधार पर भी हो सकता है। जैसे आदमी देखे तो हम पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, ठीक है ना, उससे प्रतीक मुद्रा का भी लेन देन नहीं होता, खाली नंबर्स का एक्सचेंज होता है। फिर उनके मूल्यांकन कैसे होंगे कि विनिमय वह समृद्धि के अर्थ में हुआ कि नहीं हुआ? फिर किसी मुद्रा के विनिमय का दर क्या होगा? अभी आज के इसको लेकर बहुत सारा विवाद होता रहता है ना, कि किसी करेंसी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल उसका प्राइस क्या है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि मनमानी हो रही है या उसमें ठीक से विनिमय हो पा रहा है, और फिर कैसे हम उचित विनिमय कर पाए। इनफैक्ट समाज में अगर हम इस बात को समझ पाए कि जो व्यक्ति श्रम कर रहा है उसके श्रम को उचित मूल्य मिल जाए, तो आप पाएंगे कि समाज में इतना सारा जो दोहन शोषण फैला हुआ है नियंत्रित होने लगता है। उत्पादन कर पा रहा है और विनिमय कर रहा है, वितरण कर रहा है, और उसके बदले उसको जो भी आवश्यकता की पूर्ति की वस्तुएं मिल जा रही है, तो समाज में आप देखेंगे शांति, सौहार्द, सुख है ना, बढ़ता जा रहा है, अभय बढ़ता जा रहा है। जैसे हम किसी को उसका श्रम का मूल्य नहीं देते हैं, फिर वो शोषण शुरू होता है, फिर दोहन शुरू होता है। दोहन का मतलब किसी हम काम उतने जितना जरूरत है उससे अधिक ले रहे हैं, जितने कार्य क्षमता उससे अधिक हम उससे काम ले रहे हैं, तो दोहन हो गया। कार्य तो ले लिया, उसका मूल्य उसको नहीं दिया, श्रम का मूल्य नहीं दिया, तो शोषण हो गया। तब ये प्रवृत्ति दिखाई देती है क्योंकि हम विनिमय सही विधि से नहीं कर रहे होते हैं। तो एक मानवीय समाज में, राष्ट्र के स्वरूप में देखें तो ये बातें शामिल होंगी। वैसे सदुपयोग का आयाम, तो सदुपयोग के आयाम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सदुपयोग के बिना सुविधाओं की आवश्यकता की पहचान ही नहीं हो सकती। यदि हमें सदुपयोग का पता नहीं है तो तय नहीं हो सकता कि कितनी सुविधा की आवश्यकता है। इसको थोड़ा हम देखना शुरू करें कि अगर मैं भोजन का सदुपयोग ना करूं तो कितने भोजन की आवश्यकता है पता ही नहीं चलेगा। नहीं, अगर मैं कपड़े का सदुपयोग ना करूं तो चाहे जितना भी कपड़ा खरीद लूं, अभी लगे वार्डरोब मेरा खाली है। बट यदि आप इसको स्वीकार लें कि नहीं, अब मुझे इनमें से जितना वार्डरोब में कपड़ा है सब पहनना है और फटने के बाद ही हमको फेंकना है, ठीक, तो आपको लग सकता है कि 10 साल तक, 20 साल तक कोई कपड़ा खरीदने की जरूरत ही नहीं है, इतना कपड़ा ऑलरेडी है। तो हमें यह कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है कि सुविधाएं समुचित, सुविधाओं का समुचित उपयोग कैसे किया जाए, और सिस्टम के स्तर पर देखें तो सुविधाओं के समुचित उपयोग के लिए हम विधि और प्रणाली तैयार कर सकते हैं। सुविधाएं प्राकृतिक संसाधनों और शेष प्रकृति से उत्पन्न होती है, सम्यक उपयोग ही समृद्धि का प्रथम अंग है। यह जरूरतों की पहचान करने में मदद करता है, अंततः प्रकृति के बाकी हिस्सों की देखभाल करने में मदद करता है। तो जो अन्य अवस्थाएं हैं प्रकृति की, उनके प्रति हम पूरक हो पाते हैं। तो इस आयाम में अगर हम काम करने जाते हैं तो फिर उसमें कैसे सदुपयोग सुनिश्चित हो, और अभी जो हो रहा है उसका हम एक क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, जो दुरुपयोग हो रहा है उसका भी हम दुष्परिणाम देख सकते हैं। अब इतना प्लास्टिक हमने फैला दिया है, प्लास्टिक पॉल्यूशन एक मेजर इशू हो गया है, जहाँ एनसीआर में मैं बैठा हुआ हूँ अभी प्रदूषण के कारण है ना, जो सांस की कठिनाइयां हैं बढ़ती जा रही है। अभी लोग सुबह टहलना बंद कर दिए हैं, दौड़ना बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के ऊपर पहुंच गया है, जबकि वो 100 से नीचे होना चाहिए। और इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, उस पे काम होना जरूरी है। वैसे संरक्षण के आयाम को देखें तो जो शेष प्रकृति के साथ उभय समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध और संरक्षित करने की जरूरत है। तो संरक्षण से मनुष्य का शेष प्रकृति के साथ संबंध पूर्ण हो पाता है।
हम उन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित यानी समृद्ध और संरक्षित करने की आवश्यकता है जिनका उपयोग हम उत्पादन और विनिमय के लिए करते रहे या करते हैं। तो यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो कल के दिन वो हमारे लिए कम पड़ेगा कि नहीं? तो बहुत सारे संसाधनों का अपव्यय होने के कारण उनकी कमी दिखाई दे रही है। अब हमने एक समय पे इतना ज्यादा हमने कोल यूज कर लिया कि अब कोल का अभाव हो रहा है, पेट्रोलियम का अभाव हो रहा है, मिनरल्स का अभाव हो रहा है। अब पता चल रहा है कि मिनरल्स के ऊपर ओनरशिप गेन करने के लिए देशों में युद्ध होने की संभावना है। अब धरती के अंदर से हमने बहुत सारा निकाल लिया, अब हम महासागर के अंदर से निकालने जा रहे हैं और फिर उसके महासागर के ऊपर कब्जा होने की बात होगी कि महासागर का कौन सा हिस्सा किस देश के कब्जे में होगा, फिर उसके लिए युद्ध होगा, फिर उस युद्ध में हम वही तेल और खनिज लगाएंगे जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे विस्तार से बात होनी जरूरी है कि संरक्षण के आयाम का उद्देश्य क्या होगा, विभिन्न स्तरों पे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से होगा, संरक्षण की अनदेखी कारण क्या क्या विभिन्न समस्याएं हो रही हैं, उसका कैसे निराकरण हो सकता है। तो एक विकसित समाज में संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण आयाम होगा। ऐसे लोग होंगे जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हर एक संसाधन का संरक्षण ठीक से हो पा रहा है। अभी भी किसी रूप में कर रहे हैं ना, परंतु उसको और सिस्टमेटिकली और विधिवत ढंग से करने की जरूरत है। जी, अभी देशों के बीच में जो आपसी बैठकें होती हैं उसमें प्रदूषण को लेकर, संसाधनों के अभाव को लेकर चर्चा भी होती है। अभी सर्कुलर इकोनॉमी की, सस्टेनेबिलिटी की बहुत सारी बातें हो रही है। तो कहीं संरक्षण पे ध्यान तो हमारा जा रहा है, परंतु चूंकि मनुष्य पे ठीक से काम नहीं हो पा रहा, इसलिए वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इतनी बात है। फिर सेवा के आयाम के रूप में देखें तो सेवा भाग, इसे सिस्टम सेवा के रूप में जाना जाता है। इस आयाम में विस्तृत रूप से उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो विभिन्न कार्य करना यानी कोई मानव समूह में कोई उत्सव का आयोजन करना हो जहाँ लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, साझा करते हैं, आपस में सुख को शेयर करते हैं, और भले ही कोई भौतिक वस्तु उससे उत्पादित नहीं होती हो, तो ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं। अभी जैसे दीपावली आ रहा है तो इन अवसरों का महत्व ये भी है कि हम इसमें परिवार से मिलते हैं, परिवार समूह में हम जाते हैं, परिवार समूह के लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हम समान रूप से नहीं मिल पाते। तो सिस्टम में सेवा का उद्देश्य क्या होगा, परिवार में रिश्तों के साथ कैसे हम सेवा का निर्वाह कर सकते हैं, उत्पादन व विनिमय के संबंध में है ना सेवा का स्वरूप क्या होगा, समाज के संबंध में सेवा का स्वरूप क्या होगा, और सेवाओं की कुछ फॉर्मल सिस्टम्स बनेंगे, कुछ इनफॉर्मल सिस्टम्स बनेंगे। जैसे आज के दिन भी बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं ना, एनजीओ समाज में जहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। कहीं स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है, कहीं शिक्षा के लिए बना हुआ है, कहीं न्याय के लिए बना हुआ है, कहीं कोई समस्याओं को रोकने के लिए बना हुआ है। तो सेवा के भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से संरचनाएं स्थापित होंगी। तो इन आयामों को विफलता के बिना कार्य में सक्षम बनाने के लिए सिस्टम के स्तर पर सेवा के आयाम की आवश्यकता होती है। जैसे भी जितने हम लोग सिस्टम्स की बात की, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उत्पादन है, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए कि सही ढंग से काम करे तो प्रशासनिक स्तर पर भी सेवा को जरूरत है और संबंधों के आधार पर भी सेवा की जरूरत है। तो दो स्तरों पर काम करता है, एक तो जिसे हम व्यवस्था प्रशासनिक सेवा के द्वारा सुनिश्चित करते हैं और दूसरा हम समाज सेवा के द्वारा स्थापित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो प्रशासनिक सेवा आज के दिन भी है, तो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा का काम कर रहे हैं। तो जो 10 सोपानीय व्यवस्था है उसमें हर एक स्तर पे हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे, कुछ लोग हैं जो जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका क्रियान्वयन करने में भागीदारी करेंगे, और कुछ लोग हैं जो समाज के लिए आगे बढ़कर अपना आवश्यकता से जो शेष है, समय, धन है ना, इनको अर्पित समर्पित करेंगे ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो आज के दिन भी ऐसा हो रहा है, परंतु यदि मूल में हम मानव लक्ष्य को ले आए तो उसका एक बेहतर स्वरूप बन सकता है। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि हम एनजीओ तो बनाते हैं बट एनजीओ ब्लैक मनी को छुपाने का एक स्रोत बन गया है। तो हम समाज सेवा ना करते अल्टीमेटली का कहीं शोषण कर रहे हैं और इसके अर्थ में उसको हम छुपा दे रहे हैं। तो समाज सेवा का भी सही स्वरूप क्या होगा? इनफैक्ट समाज की सेवा भी अगर करनी है तो अगर हम सुविधा और शरीर के स्तर पर करें तो उससे कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ, बट यदि हम ज्ञान के स्तर पर करें तो उससे अस्थायी परिवर्तन हो पाएगा। तो समाज में भी सेवा का सही स्वरूप क्या होगा, इस पे काम होने की जरूरत है। फिर इसके साथ संविधान का स्वरूप जो हमने पहले भी डिस्कस किया, तो किसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि उसे ठीक से समझा जाए, इसके सभी आयामों, उनके कार्यों और व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
क्या करने की आवश्यकता, इसे पहचानने की आवश्यकता है। तो इसके संकलन को ही संविधान कहते हैं। इसे समाज में कानून और व्यवस्था यानी कि जो अंतर्निहित सिद्धांत है और सब क्रियान्वयन है उसके रूप में देखा जाता है। तो इसे एक साथ रहने में, संबंधों में जीने में, है ना, आपस में सद्भाव और सौहार्द को स्थापित करने में और सहअस्तित्व के नियमों और विनियमों को पालन करने के रूप में देखा जाता है। तो कोई व्यक्ति संविधान को समाज में सामंजस्य रूप से सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के नैतिक दिशा निर्देशों के एक संग्रह के रूप में भी पहचान सकता है। तो जैसा हमने पहले बात किया कि संविधान विधि को स्थापित करने की एक मार्गदर्शिका होगी कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की विधि क्या होगी, न्यायपूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीने की विधि क्या होगी। तो जिसको अभी हमने 8 आयाम में डिस्कस किया उसका एक संकलन होगा संविधान में। इसके फैलाव में देखें तो परिवार व्यवस्था से लेकर विश्व परिवार व्यवस्था तक यानी सार्वभौम मानवीय व्यवस्था तक इसका एक फैलाव दिखाई देता है। तो उसी की एक इकाई है राष्ट्र। तो जब हम एक मानवीय राष्ट्र की बात करते हैं, एक विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो उस विकसित राष्ट्र में इन 8 आयामों पर ठीक से काम होने की जरूरत होगी, है ना, तभी हमारा राष्ट्र विकसित हो जाएगा, हो पाएगा। तो विकसित राष्ट्र का महत्व ये नहीं कि हमारा राष्ट्र सामरिक हथियारों से लैस होगा, है ना, हम पूरे विश्व पे शासन कर रहे होंगे, सभी हमारा शोषण स्वीकार कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा जो राष्ट्र होगा वो विश्व परिवार व्यवस्था की एक इकाई होगा, अन्य राष्ट्रों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों में न्याय सुनिश्चित कर पाएगा, व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएगा, सहअस्तित्व सुनिश्चित कर पाएगा। तो एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, है ना, उसको लेकर जो हम लोगों ने बातें की उस पर स्पष्टता बन पाती है। इस पूरी बात को समाप्त किया जाए अगर, तो किसी भी सिस्टम को सुचारू चलाने के लिए सिस्टम या ऑर्डर के विवरण में जाने की जरूरत है। और मानव जीवन और इस अस्तित्व में उसकी भागीदारी से संबंधित जो बुनियादी सिद्धांत है, दिशा निर्देश है, उसे एक संविधान के रूप में पहचाना गया है। इनमें किसी को अपना जीवन कैसे जीना है और इस सिस्टम में कैसे भाग लेना है, इस पे जो निर्देश है, सलाह है, शामिल होते हैं। संविधान में मानव व्यवस्था और उसके जो अंतर्निहित सिद्धांत है उसको स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो सिद्धांत जो होंगे हमारे सुखपूर्वक जीने के, उसको संविधान में शामिल किया जाएगा, जो हमने अभी तक डिस्कस किया। और जीने के प्रत्येक अवसर पर, स्वयं से लेकर विश्व परिवार तक, इसका पालन कैसे सुचारू रूप से होगा इसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो मानव लक्ष्य पूर्ति हेतु जो समाज के 8 आयाम है उस पर हमने चर्चा की, और इन आयामों को विफलता के बिना कैसे सुचारू से चलाया जाए उसके लिए सेवा के आयाम की जरूरत होगी। और ये 2 स्तर पे काम करता है, प्रशासनिक सेवा और समाज सेवा। तो एक व्यवस्थित समाज में इन दोनों सेवा के आयामों पे एक सुचारू रूप से काम करने की जरूरत है। और इन सभी आयामों और उनके कार्यों और व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करने की आवश्यकता है उसको पहचानने की जरूरत है, जिसको हम संविधान के नाम से जानते हैं। इसे समाज में कानून और व्यवस्था यानी जो जो इनेट लॉज है, कानून को समझना और उसको फिर जीना, इसको देखे जाने की जरूरत है। तो इतनी बात हम लोगों ने आज की, ये जितनी बातें मैंने अपनी तरफ से कही ये एक प्रस्ताव के रूप में है, हम सबके लिए जांचने के लिए, जीकर देखने के लिए, और उस पर हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, उसे समझने का काम कर सकते हैं।